ये सब क्या है? इसमें सीमेंट बहुत कम मिलाया है। ये विधाता का कंस्ट्रक्शन है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए ये मामूली सी सरिया लगा रहे हो? ये विधाता का कंस्ट्रक्शन है। इस रेत में तो सीमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ये विधाता का कंस्ट्रक्शन है। क्या तुम ही हो विनय कुमार? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा, मेरा नाम है विधाता। ऊपर वाले विधाता ने इस दुनिया की तकदीर लिखकर इस गांव की तकदीर लिखने के लिए मुझे हुक्म दिया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कयामत ला सकता हूँ, किसी भी तूफान को अपने हाथों से रोक सकता हूँ। मेरे बड़े भैया अगर चाहे तो तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री को तोड़ मरोड़ के धू धू करके आग के हवाले कर देंगे। चुपचाप प्लान पे साइन कर दे वरना फट जाएगा। बिल्कुल नहीं, इस बिल्डिंग के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। सरिये हल्की क्वालिटी के हैं, रेत बजरी में सीमेंट कम लगाया जा रहा है और यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं इस बिल्डिंग का अप्रूवल कभी नहीं दूंगा। अच्छा, मौत से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। अच्छा, तुझे भी अपनी समाधि बनवानी है क्या? नहीं नहीं, मैं साइन करता हूँ। जल्दी करना। बड़े भैया, तुम्हारी बातों का वाकई कोई जवाब नहीं। तुम्हारी बातों का जोर, तुम्हारी बाहों का जोर, तुम्हारी नजरों का जोर, इतना सब होने की वजह से इस सिटी के सारे मजदूर तुम्हारे कदमों में हैं। इसलिए तो ये सारे एजेंट हर महीने हमें हफ्ता देते हैं। कौन है ये गिद्ध की तरह मुझे देख रहा है? यही है बड़े भैया, मजदूरों में एकता बढ़ाकर हमारे खिलाफ भड़काकर यूनियन बनाने वाला था, इसलिए मैं इसे लाया हूँ। अच्छा, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। अरे बड़े भैया, तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू घबरा मत, तेरे माथे पे छोटा सा ठप्पा लगाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि बड़े भैया के खिलाफ तूने अपनी आवाज जो ऊंची की, इस माथे पे ठप्पा लगने के बाद तुझे कोई काम नहीं देगा। जानता है क्यों? क्योंकि वो ठप्पा विधाता लगाएंगे, इसलिए वो देखने के बाद भी अगर किसी ने तुझे काम दिया तो विधाता उसे फर्र करके फाड़ देंगे। समझ गया ना? मेरे पैरों को मजदूरों की बिलकती चीखें बहुत अच्छी लगती हैं। कोई भी शूरवीर क्यों ना हो, उसे धरती में समाए बिना मेरे पैरों को चैन नहीं मिलता। बगावत करने वालों का मुंह बंद करता है मेरा पैर, ये तस्वीर इसीलिए है। अब ऐसी मूर्ति चाहिए, शहर के बीचों बीच लगानी है, जिसे देखकर मजदूर बुरी तरह कांपने चाहिए। मजदूरों की ताकत को दबा कर रख देगी यह मूर्ति। सुन लिया बड़े भैया, समझ लो आपका काम हो गया। जब तक आप अफ्रीका से स्मगलरों की मीटिंग अटेंड करके आएंगे, आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी। वाला चोर कौन है और वो आया कहां से है, पहले इसका पता लगाइए। उसका पता लगाऊं? तो फौरन एक फाड़ने वाला प्लान बना के उस नाग पुष्प वाले चोर के बीन बजा के उसे फाड़ के बाहर निकाल के उसके फन को कुचल दूंगा। जिन घरों पर हमारी नजर है उन घरों में फर्र से घुसकर वो बार बार चोरी क्यों कर रहा है? आखिर वो है कौन चोरों का उस्ताद? अरे मर गया रे। आज तो एक रॉड भी नहीं मोड़ पा रहा है, कल जब तेरी शादी होगी तब तू क्या करेगा रे? अरे ये लोहे की रॉड है। जानती हूँ, तू कहे तो मैं मोड़ के दिखाऊँ। क्या? इस रॉड को मोड़। पकड़। देख। हाँ मोड़ ना। अरे बाप रे। अरे रो क्यों रहा है? अरे बता तो सही, रो क्यों रहा है? इस लोहे की रॉड को तो तूने मोड़ दिया, कल हमारा झगड़ा होगा तो मेरे हाथ का क्या होगा? ये लीजिए साहब, वर्क रिपोर्ट। अगर 50 मजदूरों को और बढ़ा दें तो काम और स्पीड से हो जाएगा ना, आप क्या कहते हैं? ठीक है साहब, जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। मटेरियल की पोजीशन क्या है? वैसे सीमेंट की मैंने नई बोरियां भिजवा दी थी, आ गई क्या? 4 लोड पहुँच गए हैं, अभी और चाहिए क्या? नहीं नहीं काफी है।
पहले जब मैं तेरा चेहरा देखता था तो बिल्कुल चांद सा नजर आता था, लेकिन जब से तूने इस रॉड को मोड़ा है। काम छोड़कर तू इसे क्या पट्टी पढ़ा रहा है? कुछ नहीं उस्ताद, मैं इसे रॉड मोड़ना सिखा रहा था। सुन, पागलों सी बातें करेगा तो मैं तुझे मोड़ दूंगा। काम कर और तुम भी जाओ। जी क्यों रे, वो भी तो हमारी तरह एक मजदूरी है ना, तो फिर उससे तू इतना डर क्यों रहा है? वो तो उस्ताद है। ये सब क्या है, इसको क्या हो गया है? डॉक्टर, ये 12 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे गिर गया है, आपको इसकी जान बचानी होगी। क्या कहा, 12 मंजिल के बिल्डिंग से ये नीचे गिर गया है? यानी ये एक्सीडेंट का केस है? नहीं नहीं नहीं, बिना पुलिस केस के मैं ये केस हाथ में नहीं लूंगा। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। इलाज न करके इसका मरने तक इंतजार करोगे क्या? ये कहाँ की इंसानियत है? इंसानियत के बारे में सोचूंगा तो फिर मुझे अदालत के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। ले जाओ, आउट 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 आउट। डॉक्टर, शराफत से कह रहा हूँ, इसका इलाज करते हो या नहीं? क्यों, मुझसे जबरदस्ती इलाज करवाओगे? मैं इलाज नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। ये कहाँ का इंसाफ है? हेलो, ये पुलिस स्टेशन ही है ना? अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन 4 दिन तक यही रहना होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। इट्स माई ड्यूटी। ये देखिए, यही है साहब, ये बाहर का गद्दार है, वो अंदर के गद्दार है, पहले उसे अरेस्ट कीजिए। मैडम, आपने अपने चीफ की अनुमति के बिना इलाज किया, इसलिए आपका अरेस्ट करता हूँ। रुकिए साहब, इन्हें अरेस्ट करने से पहले मुझे अरेस्ट कीजिए। ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, इनसे जबरदस्ती मरीज का इलाज करने के लिए मैंने ही कहा था। इसमें इनका कोई जुर्म नहीं है, मुझे अरेस्ट कीजिए। लेकिन अरेस्ट करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, जब एक मरीज की जान खतरे में थी तो रूल्स एंड रेगुलेशन बोलकर इन्होंने उस बेचारे का इलाज करने से मना कर दिया। अगर वो मरीज मर जाता तो इनका रूल्स एंड रेगुलेशन उस मरीज के प्राण वापस ला सकता था। बोलिए इंस्पेक्टर, किसी इंसान की जिंदगी को बचाना अगर जुर्म कहलाता है तो मुझे अरेस्ट कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा समझा है, लेकिन मरीज की जान बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे सुरेंद्र की बात में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है, आपने मुझे बुलाकर मेरा टाइम खराब किया। इस समय मुझे अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने जाना था। मुझे माफ करना सुरेंद्र। तुम्हारी फीस आधे घंटे में पहुंच जाएगी। अब भूल से भी ऐसा मत करना। यू आर डिसमिस्ड। थैंक यू। वैसे भी तुम्हारे यहाँ काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं, तो फिर? बल्कि शर्म आती है। वक्त पर आपने उसकी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना आपका जरूर प्रमोशन होगा। प्रमोशन? हाँ। मेरा वो तो हो गया। देख लिया, मैं तो पहले ही जानता था। वैसे प्रमोशन में ओहदा क्या मिला? डॉक्टर की नौकरी छोड़ने का। सच कह रही हो? हाँ। अच्छा, उस डॉक्टर ने पागलपन के दौरे का इलाज क्यों नहीं कराया? उन्हें ये रोग है, तुमने कैसे जाना? मैं अंतर्यामी हूँ मैडम। इज इट? हाँ। क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल जैसे कोई सिनेमा देख रहा हो। अच्छा, तो नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है मुझे बताओ। आपको इससे भी बढ़िया नौकरी मिलने वाली है। ये कैसे बोल रहे हो? क्योंकि आज तुमने बैंगनी रंग की ब्रा पहनी हुई है। इडियट। नमस्ते मालिक, आपने मुझे बुलाया। आओ शिल्पी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस तस्वीर को देखो, मजदूरों को कुचलता हुआ ये खतरनाक पैर है। इस पैर को जो देखता है वो फट जाता है रे, इसलिए ये मजदूर चिल्ला रहे हैं। ये पैर किसका है क्या तुम जानते हो? बड़े भैया विधाता का है। विधाता की मूर्ति में इस तस्वीर के भाव भर के आने चाहिए। वो मूर्ति शहर के बीचों बीच लगेगी। जब बड़े भैया अफ्रीका से लौटेंगे तो मूर्ति को देखकर चौंक जाने चाहिए रे, और मुझे शाबाशी देंगे। जाके फौरन काम शुरू करो। माफ करना मालिक, मैंने इन हाथों से बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं। 2 रोटियों के लिए देवताओं की मूर्ति और देश की कला संस्कृति को बाहर उजागर किया है मैंने। अगर देश की कला संस्कृति की इज्जत करना नहीं जानते तो बेइज्जती भी मत कीजिए। यानी मजदूरों के सरों को कुचलते हुए पैरों की मूर्ति बनाकर मैं अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। ये हमारी कला के साथ विश्वासघात होगा। अरे फट जाएगा रे, मूर्ति बनाने को कहा तो भाषणबाजी कर रहा है। बता कितने पैसे चाहिए? खाने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन मैं अपने जमीर को बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहता। शिल्पी, लाखों मजदूरों को कुचलकर उनका खून चूसकर उनकी बलकती हुई चीखों का मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे उस विधाता की मूर्ति बनाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।
सच्चाई पर चलने वाले राजा महाराजा ही मेरे आदर्श रहे हैं। हम मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले महापुरुष लेनिन ही मेरे आदर्श हैं। ऐसे लोगों की मूर्ति बनाने के लिए कहो, मैं मुफ्त में बना के दूंगा। ये सब छोड़कर मजदूरों का सर कुचलते हुए तुम्हारे विधाता के पैर की मूर्ति बनाना मेरे आदर्शों के खिलाफ होगा। मैं कभी नहीं बनाऊंगा। तेरी छेनी से ही तुझे फाड़ डालूंगा रे। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, शरीर पे मांस नहीं है, जरा सा खून नहीं है तुझे तो। तुमसे जो बने तुम कर लो, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मेरे आदर्श नहीं बदलेंगे। ये क्या भैया, तुम तो बड़े जोश में कह रहे थे कि उसे फाड़ दूंगा, लेकिन वही तुम्हें पर करके फाड़ के चला गया। बिल्कुल सही, वो ऐसा बोल के जा रहा है, अब आप क्या करोगे? ये तो बता रहे राजू, आज दिन कौन सा है? आज शनिवार है। इसीलिए तो मैंने उसे छोड़ दिया, वरना उसे यहीं फाड़ देता। शनिवार को मैं न फाड़ने का महाव्रत रखा करता हूँ, इसलिए आज मैं न किसी को चिड़ूंगा न किसी को फाड़ूंगा। हेलो अंतर्यामी जी। आइए 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 आइए। क्या बात है, अचानक इस तरफ कैसे आना हुआ? क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, मैंने वैसे कहा, बुरा मत मानना। कोई काम है क्या? क्यों, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो जान गए होगे मैं क्यों आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे हाथ में मिठाई का डब्बा है, यानी तुम्हें नौकरी मिल गई है। मैं राइट, सच कहा ना? सच है, कोई मामूली नौकरी नहीं, बहुत बड़ी नौकरी है। देख लिया, मैंने कहा था ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी कुंडली के मुताबिक तुम्हारे जीवन में इससे भी बढ़िया एक कार्य होने वाला है। हाँ, वो कौन सा कार्य है, विस्तार से बताएंगे अंतर्यामी जी? बताता हूँ, तुम बहुत जल्द किसी से प्यार करोगी। बाप रे, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्यार करती हूँ। यानी तभी तो मुझे कुछ खटक रहा था। वो भी तुमसे प्यार करता है, उसने तुम्हें बताया? बताया तो नहीं। देख लिया, यही तो मुझे खटक रहा था, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकलती है। ठीक है, बताओ उससे मेरी शादी होगी या नहीं? जरा रुको, छोटी मोटी अड़चने आएंगी, पर धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। ओहो, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? तुम इतना जोर डालकर पूछोगी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आज तुमने गुलाबी रंग की ब्रा पहनी है ना? बस बस, बहुत बोल गए, वाकई में वही पहनी हुई है। चाहत के गहने दिल में जो पहनो, आँखों में सौ सपने आशिकी के मैं बुन लो। कहो कहो अब तुम कहो। मम्मा मम्मा मम्मा, बोलू क्या बोलू, भला क्या बोलू, अरे तेरी नजर से जो रंग बरसे, पीके इसे रहेगा कौन होश में। बात को निटालो जी, मुझको संभालो जी, चाहत के गहने दिल में जो पहनू, आँखों में सौ सपने आशिकी के मैं बुन लो। कहो कहो अब तुम कहो। मम्मा मम्मा मम्मा, बोलू क्या बोलू, भला क्या बोलू, अरे तेरी नजर से जो रंग बरसे, पीके इसे रहेगा कौन होश में। बात को निटालो जी, मुझको संभालो जी। संभालू या खुद को संभालू मैं, या फिर संभालू मैं अपने दिल को, तू मुझे बुलाती है जैसे के बुलाता है भौरा किसे फूल को। उल्टा कहता है छोरा, गुल में हो तू है भंवरा, तोड़ा दराए तो मैं जो खिलूं, हे अब तुम्हारे बारे तुम कुछ कहो। डर लगे जो हमसे, निकलो न घर से, चाहत के गहने दिल में जो पहनूं, आँखों में सौ सपने आशिकी के मैं भूल लूं। Thank you.
आता है तू बोल मैं कैसे घर से निकलूं, तुझे मैं न देखूं तो दिल चैन पाए नहीं, बात किससे कहूं। तेरे पीछे मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे तू पड़ी है, मतलब साफ है ओ मन चले, आई तुम्हारी बारी अब तुम कहो। चाहती हो तुझको अपना ले मुझको, चाहत के गहने दिल में जो पहनूं, आँखों में सौ सपने आशिक के मैं बुन लूं, कहो कहो अब तुम कहो। ओए मम 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 मैं बोलूं क्या बोलूं, भला क्या बोलूं, अरे तेरी नजर से जो रंग बरसे, पीके इसे रहेगा कौन होश में। बात को न टालो जी, मुझको संभालो जी, चाहत के गहने दिल में जो पहनूं, आँखों में सौ सपने आशिक के मैं बुन लूं। चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया? मैं बताती हूँ। ओह तुम भी यहाँ हो? हम यहाँ गैस के लिए आए हैं, ये बेचारे दो दिन से लाइन में खड़े हैं, इन्होंने नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया है। तुम तो बड़े अंतर्यामी हो ना, अंदर सच में गैस का स्टॉक है या नहीं जरा बताओगे? ओह यस, बहुत सारा स्टॉक है। तुम्हें कैसे पता चला? वो दरअसल आज तुमने सफेद रंग की ब्रा पहन रखी ना, इसलिए। दो दिन से भीड़ आके शोर मचा रही है, अब उनसे क्या कहें? वो चाहे जितना गिड़गिड़ाए जितना चिल्लाए, हमसे जो पंगा लेगा वो फर्र से फट के रह जाएगा। किस तरफ? दोनों तरफ। मनमोजी दास, मनमोजी दास। क्या नो स्टॉक का बोर्ड लगा के गैस को ब्लैक करके मैंने सोचा था फर्र से सबको फाड़ दूंगा, लेकिन ये जनता तो मुझे फाड़ने पर उतारू है। चलो देखते हैं। मनमोजी दास, मनमोजी दास, मनमोजी दास। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये शोर शराबा क्यों? मेरी जय जयकार किस लिए? ये जिंदाबाद अहमदाबाद क्यों? ऐसा नहीं साहब, ये बोर्ड देखकर सिर्फ जिंदाबाद कहना ही नहीं जानते हैं, मुर्दाबाद बोल के फाड़ना भी जानते हैं। क्या कहा? ये बोर्ड देखकर मेरे जिंदाबाद के बदले मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? चलो देखता हूँ ये क्या लिखा है। तारीख, ये तो किसी ने आज की ही लिखी है। हाँ बिल्कुल सही है, आज की तारीख में सभी को मुफ्त गैस मिलेगा, हाँ तो ले लीजिए। किसने किसने लिखा है? चुपचाप बता दो वरना इंटरनेशनल लेवल में फर्र से फाड़ के रख दूंगा। मैंने लिखा है अबे साले। मुझे साले कहा तूने? हाँ अबे साले मैंने ही। तेरी इतनी हिम्मत? मेरी पर्सनालिटी देखकर तुझे शर्म नहीं आई? मेरे कपड़ों को देखकर तुझे शर्म नहीं आई? और मेरी इन मुछों को भी देखकर तुझे शर्म नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। अगर तुमने सिलेंडर आज के दिन मुफ्त में नहीं दिया तो ये सिलेंडर की तरह ही से फाड़ के रख दूंगा। किस तरह? तुम अगर मेरे साथ में अंदर चलोगे तो हम ये मामला शांति से निपटा लेंगे। शांति से मामला निपटा लेंगे, बहुत अच्छी सोच है, तब तो चलिए। ठीक है आ जाओ। हेलो क्या हुआ? शांति से मामला निपटा लेंगे बोलकर तुम अकेले वहां कहां जा रहे हो? मामला मैं नहीं निपटाऊंगा, वो We'll be right back.
लोग अंदर लेके गए हैं, पता नहीं गैस। हाँ सब लोग सुनिए, आपने सोचा होगा ये मुझे रिश्वत देने के लिए अंदर ले गए हैं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने तो मुझे अंदर ले जाकर शांति से समस्या का समाधान कर दिया है। अब इन्होंने एक एक सिलेंडर के साथ साथ स्टोव भी फ्री देने का वादा किया है। मैंने कब वादा किया? मान जाओ नहीं तो फिर से मुसीबत आ जाएगी। तू चुप कर। तुम कहो तो अंदर जाकर एक बार फिर से इसी समस्या का समाधान कर ले। नहीं नहीं, मैं आप सबको एक एक सिलेंडर के साथ स्टोव भी फ्री में दूंगा, जी भर के पकाना। देख लिया मेरा? उसकी कोई जरूरत नहीं, चलिए चलो। क्यों रे ललिता, इस रॉड को देखा? सॉलिड रॉड है। इस रॉड का एक फ्लैशबैक है। कौन सा? कौन सा? मेरे पिताजी के दादा ने मेरे दादा को इस रॉड को सम्मान के रूप में देकर कहा कि इस रॉड को जो लड़की मोड़ पाएगी उसी लड़की को पसंद करके, यानी मुझे उससे शादी करने को कहा। चलो ये रॉड मोड़ के दिखाओ। अरे बाप रे, तुम्हारा नाम क्या है बेबी? मालिक, मालिक, मालिक पूल। क्या है? कितनी मुश्किल से मुझे इसके साथ मस्ती उड़ाने का मौका मिला और तू बीच में आ गया। बात क्या है, इसके लिए वही फूल लाया है क्या? नहीं मालिक, नाग वाला फूल। ये क्या कह रहा है, कहाँ से तोड़ के लाया? नहीं मालिक, ये वो चोर छोड़ के गया है, आपके बेडरूम में था। अरे तूने तो मुझे फाड़ के रख दिया रे, मेरे कदम कदम पर वो मुझे इस फूल से फाड़ रहा है। मालिक आप तो यहाँ के बहुत सारे मंत्रियों को जानते हैं ना, किसी एक मंत्री को फोन करके इस चोर के बारे में बता दीजिए ना। बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। मंत्री मंगल सिंह शहर में ही है ना? हाँ है। कमीना, उस मंत्री को पहले राजनीति की ABCD भी नहीं आती थी, मैंने उसे सिखाया। उस मंत्री को इस फूल के बारे में बताऊंगा तो चुटकी में काम हो जाएगा। तो शुभ काम में देर क्यों, फोन कीजिए ना। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। उल्लू के पट्टे, मंगलवार के दिन मैं किसी मंत्री से बात नहीं करता, पता है ना? हाँ हाँ मैं समझ गया, आप क्यों नहीं फोन करना चाहते हैं। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है रे, अपनी जबान को लगाम दे। ठीक है मालिक, लेकिन ये जो फूल है इसे कहाँ लगाएंगे? लगाएंगे, अभी तक 6 बार ये फूल वो छोड़ के गया है। अच्छा इस फूल को अब मैं कहाँ लगाऊं? बंगले में तो कोई जगह नहीं रही। आप है ना, लगा लीजिए। क्या कहा, क्या मैं इतना गिर चुका हूँ? बताऊंगा इस फूल को कब कहाँ कैसे लगाना है, जरूर बताऊंगा। ओए बता, सच बता। इंस्पेक्टर सच उगलवाओ। ओके सर। बहुत जिद्दी है, इतनी मार खाने पर भी सच नहीं बोल रहा है, लेकिन हम सच उगलवा के रहेंगे। आने दो। यस सर। हमारे विद्यार्थी हैं जिसने चोरी की, उस चोर को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है, मैं उस ऑफिसर से आपका परिचय करवाता हूं। आई एम इंद्राणी। वेल ग्लैड टू मीट यू। आईजी साहब ने कहा था कि किसी स्पेशल ऑफिसर को भेजेंगे और मैंने सोचा था कि वो बहुत पावरफुल होगा, लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड ए लेडी। उस चोर को पकड़ने के लिए हमने कितने हाथ पैर मारे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाय द वे, अगर वो चोर कोई ऊंची दीवार फांदेगा तो क्या तुम फांद पाओगी? अगर वो चोर चलती ट्रेन से कूदेगा तो क्या तुम कूद पाओगी? नेवर। आफ्टर ऑल तुम एक औरत जो हो, जब हम मर्द लोग उस चोर को पकड़ नहीं पाए तो तुम कैसे पकड़ पाओगी? अपने अपने रिवॉल्वर नीचे डाल दो, तुम भी। गुड, अब मेरे लिए यहां से जाने के लिए एक कार का इंतजाम करो। बोलो मिस्टर शेखर, इंतजाम करो। ओके सर। इससे ज्यादा स्पीड से मैं और कुछ नहीं कर पाई सर, बिकॉज आई एम अ लेडी। जब तबीयत ठीक नहीं तो काम पर क्यों आए? घर जाओ, मजदूरी घर भिजवा दूंगा, दवाई खरीद लेना। जी बाबूजी। हेलो, तुम कब आई? ओ, यही कुछ 22 साल पहले। 22 साल पहले? खैर कोई बात नहीं, पहले 5 साल को हुई होगी, फिर 10 साल की, अब 22 साल की, इतने सालों में कुल मिलाकर तुमने क्या पाया?
मैंने तुम्हारा दिल पाया, सही कहा ना? अच्छा तुम यहाँ कैसे? जहाँ पसीना बहता है वहाँ सुरेंद्र होता है, जहाँ ताकत होती है वहाँ सुरेंद्र होता है। मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अरे मुझे भी यही नौकरी मिली है। जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? बताऊँ कैसे जानता हूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये क्या मजदूर उस हुंडी में पैसे डाल के जा रहे हैं? ये गरीब लोगों के लिए है, उनके लिए जो अस्पताल बन रहा है उसके लिए। गरीब लोग पैसे की किल्लत में अपना इलाज नहीं करा पाते और मर जाते हैं। भविष्य में कोई भी गरीब बिना दवाई के ना मरे, इसलिए ये अस्पताल बना रहे हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं, क्योंकि भविष्य में यही जो पैसा है उनके प्राण बचाएगा, ऐसा उन्हें विश्वास है। ये क्या सारे रुपए डाल दिए? मैं भी तो यहाँ एक मजदूर की तरह ही हूँ। इस काम में जो भी मुझसे बन पाएगा मैं भी मदद करना चाहूंगी। कोई बड़ी नौकरी करने की मुझे चाहत नहीं, मैं गरीब मजदूरों के किसी काम आ जाऊं, बस इसीलिए पैसे डाले। Really, you're great. किसी के पास खूबसूरती और अच्छा दिल भी है ये पहली बार देख रहा हूँ। थैंक्स। औरतें हमेशा ये साड़ी पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी, ये जेवर पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी, बस इसी में रहती हैं। मगर जिसका मन चंगा सब कुछ चंगा। अगर आपका मन चंगा है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आपके साथ जो भी शादी करेगा वो मरते दम तक आपका दीवाना बनकर रहेगा। मैच दिल कर ले कैच कैच कैच, तू दिल के आंगन में आ आके नाच नाच नाच, मैं नाचती हूँ तू आ मुझको वॉच वॉच वॉच, आ मेरी बाहों की जन्नत को तू देख ले। मस्ती का मैच मैच मैच, दिल कर ले कैच कैच कैच, तू दिल के आंगन में आ आके नाच नाच नाच, मैं नाचती हूँ तू आ मुझको वॉच वॉच वॉच, आ मेरी बाहों की जन्नत को तू देख ले। चांदू हूँ तू है मेरी चांदनी, घर तू कोई साज है मैं तेरी हूँ रागिनी, पत्तों में है बादशाह हम उन पत्तों में मैं हूँ बेगम, तू दिल से दिल का हो जाने दे संगम, मैं ना बहक जाऊँ तो मुझको आथा मले। मस्ती का मैच मैच मैच, दिल कर ले कैच कैच कैच, तू दिल के आंगन में आ आके नाच नाच नाच, मैं नाचती हूँ तू आ मुझको वॉच वॉच वॉच, आ मेरी बाहों की जन्नत को तू देख ले। मस्ती का मैच मैच मैच, दिल कर ले कैच कैच कैच। चाहत की दीवार से आ मुझको तू घेर ले, है आशिकी का ये मौसम तू इश्क में खो जा जानम, दीवानगी का है ये कैसा आलम, इन वादियों से घटाओं से तू पूछ ले।
मस्ती का मैच 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 दिल कर ले कैच 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 तू दिल के आंगन में आ आके नाच 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 मैं नाचती हूँ तू आ मुझको वॉच 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 आ मेरी बाहों की जन्नत को तू देख ले मस्ती का मैच 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 दिल कर ले कैच 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 अंधी है क्या जो पुलिस की गाड़ी से टक्कर मार दी? दरअसल गुड मॉर्निंग मैडम इंस्पेक्टर गाड़ी का नंबर लिखकर केस बना दो कांस्टेबल ऐसी बात नहीं है मैडम शट अप कार को थाने ले चलो ओके मैडम तुम मेरे साथ चलो दरअसल हुआ कि इधर आ सामने से कौन आ रहा है तुझे इसका भी एहसास नहीं या किसी से लव का चक्कर तो नहीं बाप रे मूड में आ गई यूनिफॉर्म में तो चेहरे से हंसी गायब हो जाती है ऐसा क्यों है कि खाकी वर्दी में आप शेरनी और बिना उसके बिल्ली नहीं बिल्कुल मेरी दीदी अच्छा यहाँ कब और क्यों आए वो भी पुलिस की वर्दी में आने का कारण मेरी छोटी बहन की हिफाजत के लिए मेरी शहर में बदली कर दी गई है क्यों मुझे कोई उठा ले जाएगा इस बात का डर है किसी में इतनी हिम्मत नहीं क्यों दीदी किसी स्पेशल ड्यूटी पर आई हो हाँ मेरी खूबसूरत बहन के लिए एक लड़का देखकर उसके हाथों मंगलसूत्र पहनाने के लिए ड्यूटी पर भेजा है नहीं दीदी मुझे एडजस्ट करने वाला लड़का आसानी से नहीं मिलेगा क्यों ना एक काम करो मैं भी तुम्हारी तरह बिना शादी के सुनो रेखा बड़े जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए जो बोलते हैं वो करना चाहिए चलो खाना खा लेते हैं माई माई अभी खाना तैयार नहीं हुआ है बाद में आना इधर उधर क्या दिख रहा है तुझसे कहा है फट गया रे हे भगवान मैं इस दीवार से सर फोड़ कर मर जाऊंगा नहीं इस दीवार को तोड़कर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता माई मैं और कोई नहीं उस विधाता का छोटा भाई हूँ यानी वो मेरे बड़े भैया हैं आई सी तो फिर भीख मांगने वालों की तरह चिल्ला क्यों रहे थे मैं चिल्ला नहीं रहा था जब गाय का दूध दूहते हैं तब बछड़ा माँ कहकर चिल्लाता वैसे मैं भी आपको माँ कहकर बुला रहा था कुछ जोर से ही चिल्लाया था वो बस ऐसे ही यानी मेरी आदत है इट्स ऑल राइट यहाँ किस लिए आए हो वो बताओ आप कितनी बड़ी पुलिस ऑफिसर हैं हमारे काम के लिए यानी हमारे घर में जो चोरी हुई उस चोर को पकड़ने के लिए यानी उस नाग पुष्प वाले चोर को पी पी करके बिन बजाकर बाहर निकालकर बिल में हाथ डाल के उस चोर को हमारे हवाले करके ऑफिसर साहिबा से कहने के लिए बड़े भैया ने कहा नहीं कहा तो फर्र से फाड़ के रख दूंगा ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ अफ्रीका से मेरे बड़े भैया ने मुझे फोन में कहा है जल्दी लाओ आपके लिए एप्पल लेकर आया हूँ कश्मीरी एप्पल इन्हें खाकर अपनी तंदुरुस्ती बरकरार रखना इतना ही नहीं आपके लिए गोल गोल अनार भी लाया हूँ इसकी कीमत क्या पता है इसे खाने से आपकी उम्र 16 साल की हो जाएगी और साथ में है पाइनएप्पल्स इसमें एक खासियत है ये आपकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देगा और इन सबके साथ में बैंगलोर के केले इन केलों को खाने से आपके शरीर में एकदम से बिजली दौड़ने लगेगी सुन पहले तो ये एप्पल खाकर शराफत से बात करना सीख ले नहीं तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी
ये जितने भी फल है पहले तू ही खा ले और अपनी जबान पर लगाम डाले, नहीं तो तू खड़ा नहीं रह पाएगा। वो अनानास खाकर तू खुद अपना थोबड़ा सवार ले, नहीं तो याद रख भरे बाजार में तेरा जुलूस निकाल दूंगी। निकल यहाँ से। अब अगर तू यहाँ एक मिनट में खड़ा रहा तो हथकड़ियाँ पहना दूंगी। गेट आउट। मैं तो सच में फट गया रे। हेलो। हाय दीदी, ये जो सुरेंद्र है बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुरेंद्र, ये मेरी दीदी है, ये एक पुलिस ऑफिसर है, एक चोर को पकड़ने के लिए स्पेशल ड्यूटी पर आज ही ज्वाइन किया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। किसी चोर को देखने जैसे क्यों देख रही हो? देखने दो, ये तो पुलिस वालों की आदत होती है ना। दीदी ये एक अंतर्यामी है, क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है एकदम सही बताते हैं। अच्छा। मुझे नौकरी मिल जाएगी कहा था और मिल गई। जी हाँ, जब मैं इतना सा था मैंने कहा लव कुछ 100 दिन चलेगी तो वो फिल्म 100 दिन चली। जब मैं इतना बड़ा हुआ प्रेम तपस्या 100 दिन चलेगी मैंने कहा और वो चली। और अब इतने बड़े हो गए, आज रात मेरी दीदी ने उस चोर को पकड़ने का जाल बिछाया है, चोर उसमें फंसेगा कि नहीं बताओ। भूल से भी दीदी ने जो ब्रा पहनी है उसका कलर मत बताना, नहीं तो तुम्हें उठाकर जेल में बंद कर देंगे। हाँ तो बताओ चोर फंसेगा कि नहीं, अपने ज्ञान से कुछ जान पाए? हाँ जान गया। चोर इनटू पुलिस इज इक्वल टू चोरों का उस्ताद, पुलिस इनटू पुलिस इज इक्वल टू महाचोर। चोर में से अगर पुलिस निकाल दे तो चोर कोई फायदा नहीं होगा, इम्पॉसिबल। चाहे कितने बड़े बड़े पुलिस वाले आ जाएं या बड़ी बटालियन लेकर आ जाएं, उस चोर को पकड़ना नामुमकिन है। वो मेरे शहर में आने से पहले की बात होगी। मैंने आज तक जिस केस को भी अपने हाथ में लिया है उसमें कभी हारी नहीं हूँ। वो चाहे कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे घसीटते हुए थाने ले जाऊंगी। अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। आपका आत्मविश्वास कोई मामूली थोड़ी है, लेकिन एक बात मैं साफ कह देता हूँ, आज रात एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली है। तब तो वो चोर आज की रात मुझसे नहीं बच पाएगा। लेकिन मेरा ज्ञान मुझे ऐसा नहीं कह रहा है। सॉरी, मुझे तुम्हारे इस ज्ञानवान पर कोई विश्वास नहीं। चलती हूँ। विश यू ऑल द। ये क्या भेष बना रखा है भैया? जैसे भगवान हर युग में अवतार लेते हैं वैसे ही एक खास काम के लिए मैंने अवतार लिया है। ये सब जनता की भलाई के लिए है। इतना टाइम हो गया है अभी तक बड़े ऑफिसर आए क्यों नहीं? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सुना है वो टाइम की बहुत। माय डियर ऑफिसर्स, मेरे को टाइम नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ हाँ, मैं पंक्चुअलिटी का बहुत पाबंद हूँ। लुक एट योर वॉचेस, एग्जैक्टली 17 घंटे 17 मिनट 17 सेकंड्स होंगे। ओके। यस सर। सो पहले मैं खुद का परिचय देता हूँ, मेरा नाम है गुरुबचन सिंह। मेरे नाम से आतंकवादी भी घबराते हैं, खतरनाक हूँ मैं। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, ऐसे ऐसे चुटकियों मुंह से पकड़ लेता हूँ। जब मैं छोटा सा था तो मुझे डब्बे वाला दूध पिलाया गया, इसलिए थियोरी पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, प्रैक्टिकली काम करता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलिए। अरे भैया, ये तो पुलिस वाले जैसे लग रहे हैं। मुझसे बात मत करना, कोई कुछ मत कहना, कोई अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए, कोई बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। यू गो दिस साइड, यू गो दैट साइड, कम ऑन, पूरे घर की तलाशी लो। ए, ए, कौन हो? इसे क्या तुमने अपना घर समझा है जो मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? क्या मैं कोई नमूना दिख रहा हूँ, मूली बेचने वाला दिख रहा हूँ? फाड़ के रख दूंगा। क्या एक तरफ भैया? नहीं, दोनों तरफ से। वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये रहा सर्च वारंट। तुम्हारे घर के अंदर छुपाए हुए काले धन की तलाश में हम आए हैं। बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या छुपाया हुआ है? मुझे मालूम होगा तभी तो बताऊंगा, नहीं तो बुरी तरह से फट जाएगा। hey, तो कौन है और तू कहाँ रहता है? कहीं नहीं रहता, मैं तो यहीं पर रहकर यहाँ का काम संभालता हूँ। All right, come on, बताओ काला पैसा कहाँ है? कुछ मत बताना भैया, पीएम साहब को और सीएम साहब को जानते हो ना, फोन लगा दो। तो चुप कर, मैं उन सबको तो जानता हूँ लेकिन वो लोग मुझे नहीं जानते। आपस में क्या फुसफुसा रहे हो, बताते हो या मार कर पूछना पड़ेगा? मैं सच बताता हूँ, ऐसा कुछ मत करना। मेरे बेडरूम के पलंग के नीचे 30 किलो सोना है, बाथरूम की जो टाइल्स है उसके नीचे एक ब्रीफकेस में 60 लाख रुपए हैं, सब के सब 10 रुपए के नोट हैं। भैया आप तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वरना किसी को नहीं बताता। कम ऑन जल्दी जाओ, बेडरूम से सोना निकाल कर लाओ और बाथरूम से पैसा निकाल कर लाओ। सबका सब निकाल रहा है ये क्या भैया, तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? तूने मुझे भी क्या अपने जैसा उल्लू समझा है? मूर्ति में जो डायमंड्स हैं वो नहीं बताए? ये क्या, ये सरदार एकदम से कहाँ जा रहा है? डायमंड्स लेने तो नहीं जा रहा? हाँ, ले जाने के लिए नहीं, उन्हें बाहर ले जाकर फिर उन्हें सबको दिखाकर उनकी आरती उतार कर उनको वापस रख देंगे। दिमाग है कि नहीं? मेरे को टाइम नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई तो बोलो 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 बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ गए होंगे? अरे राजू, ये मेरी नानी की नानी का हार है, इसे गलवा कर मैं कोई और चीज बनवा लेता लेकिन अब ये सरदार जी ले जा रहे हैं। जल्दी से बांधो। किसे? मुझे तो नहीं तो मैं भी बांधूंगा।
ये लीजिए सर। ये सब मैं इस गठरी में बांध कर ले जा रहा हूँ, कीमत आंक कर रसीद भिजवा दूंगा। हाँ, ये कहीं भाग न पाए, इन पर नजर रखना। ओके ओके सर। बड़े भैया की गैर हाजिरी में सब ले गया, इसने तो वाकई फाड़ दिया। अरे बाप रे, रुको 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 रुको, ये क्या है? मेरी जैसी पगड़ी है, मेरी जैसी टाई है, मेरे जैसा सूट है और बूट भी मेरे जैसे हैं। हम दोनों एक जैसे हैं। आखिर तुम मेरे जैसे हो या मैं तुम्हारे जैसा हूँ? अरे बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। अरे मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है पाजी, जब मेरी तरफ तुम देखोगे तो तुम दिखोगे, जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम दिखोगे। ये बक्सा अंदर एक मनमौजी दास है, उसे ले जाकर दे दो। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ले जाके दूं? हाँ जल्दी ले जाओ। मैं क्यों ले जाके दूं? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम ही दे दो, नहीं तो वो कहीं चला जाएगा। ये बक्सा पकड़ो जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है? नहीं है। ओके, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अटेंशन। अभी ये सरदार कौन है? ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? बिना मेरी परमिशन के रेट किसने डाली? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, किसने रेट डाली? मेरे पास टाइम नहीं है। सर आप नॉनसेंस, मैं ही तो हूँ गुरुबचन सिंह। विश्वास नहीं हो रहा? चाहो तो ये आइडेंटिटी कार्ड देख लो। देखो 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 देखो, जल्दी देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। हट गया, धोखा, जालसाजी, गुरुबचन सिंह जी। शट अप। ये बताओ यहाँ मनमौजी दास कौन है? मैं हूँ। तुम हो? किसी ने तुम्हें ये बॉक्स भेजा है? पकड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी वही था। Come on, follow me. गुरुबचन सिंह जी, वो चोर आपके भेष में आकर हमारा सारा माल ले गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। पहले पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाओ, बाद में आके मुझसे मिलना। मेरे पास टाइम नहीं है। एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन। गुरुबचन सिंह जी, फट गया राजू। मैं जब समझा रहा था तब तुमने उल्लू कहा था ना, अब उसे तुम्हारे घर में आके तुम्हें फाड़ दिया। अब तुम इसके लिए क्या करने वाले हो? अरे राजू, जरा पीछे की तरफ मुड़ना। किस लिए? मुड़ तो सही बताता हूँ। हेलो, व्हाट? वो सरदार के भेष में आया था, लाल मारुति कार में, TMA 2233। यहाँ क्यों आया हूँ? अभी मुझसे कुछ मत पूछना, सारी बातें बाद में बताऊंगा। दरवाजे पर पुलिस है, जाओ। जाकर तुमने अगर बताया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे मार दोगे? नहीं, मैं खुद को गोली मार लूंगा। What? प्लीज पहले पुलिस को यहाँ से भेज दो। क्या हमारे घर में ही रेड डालने के लिए आई है? मैं एक चोर का पीछा कर रही थी, अचानक वो गायब हो गया, कहीं हमारे यहाँ तो नहीं आया, मुझे शक है। ओ, अच्छा, तुम्हारा शक सही है, वो चोर यहीं पर आया है। वो है कहाँ? मेरे बेडरूम में अलमारी के पीछे। इंस्पेक्टर कम ऑन। तुम भी पागल हो, कोई चोर पुलिस ऑफिसर के घर में आकर छुपेगा क्या? अगर आ भी गया तो क्या बच पाएगा? तुमने जब से ड्यूटी ज्वाइन की है तुम्हारे दिमाग में यही घूम रहा है। डोंट जोक विद पुलिस। क्या हुआ दीदी?
कुछ नहीं। थैंक्स क्यों? थैंक्स तो मुझे तुम्हें देना चाहिए। नहीं, मुझे ही तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। जानते हो क्यों? ड्यूटी पर जान छिड़कने वाली मेरी दीदी से आज पहली बार मैंने झूठ बोला, इसलिए। रेखा, तुम्हें जब पहली बार देखा लगा कि तुम एक नेक इंसानों में खुश हुई, दूसरी बार देखने पर एक ईमानदार इंसान लगे ये जानकर खुश हुई। मैंने तुमसे प्यार किया इस बात पर मुझे गर्व था, लेकिन आज जान गई तुम अच्छे इंसान नहीं हो। रेखा प्लीज, पहले मेरी बात सुनो। अब तुम क्या बोलोगे? पुलिस वाले बेकार में तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम कोई चोर नहीं हो, यही ना? रेखा प्लीज। नॉनसेंस, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मैं दिल से बहुत चाहती हूँ, इसीलिए पुलिस में नहीं पकड़वाया, लेकिन आज तुम मेरी नजर से गिर गए हो। आज के बाद इस घर में कभी भूल से भी कदम मत रखना। गेट आउट। रेखा, लड़की अपने जीवन में सिर्फ एक बार प्यार करती है, लेकिन तुमने उस प्यार का मजाक बना कर रख दिया। तुम धोखेबाज हो, बेवफा, यू चीट। गेट आउट आई से। रेखा, तुम एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो सोचा था, लेकिन अब पता चला तुम्हारे सिर में दिमाग नाम की चीज नहीं है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं चोर हूँ। ओहो, एक चोर भी कितने गर्व से बोल रहा है कि मैं चोर हूँ। कितनी ईमानदारी है तुम्हारी चोरी में। यस, काले बाजारियों का माल चोरी करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, इसीलिए मैं अपने आप को चोर बोल रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? अपना खून पसीना बहा के जो गरीब मजदूर बीमार रहते हैं उनके इलाज के लिए अस्पताल बना रहा हूँ, क्या ये गलत है? जो पैसों पैसों से मोहताज हैं और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी जिंदगी बचाने के लिए एक अस्पताल बनाना क्या गलत है? सच कह रहा हूँ, मैंने जितनी भी चोरियां की हैं उनमें से एक भी पैसा अपने स्वार्थ के लिए खर्च नहीं किया। रेखा, बस मेरा एक ही लक्ष्य है, उस अस्पताल को बनाना। लाखों रुपए में जो ऑपरेशन होता है वो बिना एक पैसे के मुफ्त में होना चाहिए। यही मेरा सपना है, यही मेरी इच्छा है। इसका कारण क्या है तुम्हें पता है? सुनो, आज से कुछ साल पहले मेरे पिताजी ने अपने दोस्त विधाता और राजू के साथ मिलकर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया। इसमें लोगों ने उनका साथ भी दिया। उन पैसों को हड़पने के लिए, गरीब जनता को धोखा देने के लिए मेरे पिताजी नहीं माने, क्योंकि विधाता और राजू की नियत में खोट आ गई थी। ये भैया, वो सूटकेस में सारे गहने लेके भाग रहा है। कहाँ भाग के जाएगा, भागने दो, उसकी तकदीर को पूरी तरह बदल के रख देगा ये विजय। उस राजू ने उन पैसों की लालच में मेरे पिताजी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जनता का पैसा हड़प लिया है। लोगों ने उन्हें बहुत मारा, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। वहां पिताजी ने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए थे, तभी उन्होंने मुझे बताया, याद रखना, गरीब मजदूरों के लिए एक अस्पताल बनाना ही मेरा सपना था। अभी तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं, इसीलिए पुलिस में नहीं पकड़वाया। मैं भी तुमसे कहता हूं कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए चाहत है, इसीलिए तुम्हें यह सब बता रहा हूं। दैट्स ऑल, गुड बाय फॉर एवर। तुम्हारे घाव पर पट्टी बांध देती हूँ, चलो। एक डॉक्टर के घर से बिना इलाज के मरीज जाता है तो डॉक्टर को कितना दुख होता है पता है? मेरी आंखों में देखकर कहो सुरेंद्र, मुझसे दूर जाना चाहते हो? गोली निकालते हुए दर्द नहीं हुआ? नहीं, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि इसे देखते रहने में दर्द का पता ही नहीं चला। बाप रे, ये भी कोई मजाक का समय है? ये मजाक नहीं रहेगा, सच है। तुम मेरे साथ रहोगे तो 100 गोलियां भी क्यों ना लग जाए मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब जल्दी से पट्टी बांधो, मुझे बहुत काम है। गाल तेरा कश्मीरी सेब के जैसा,
तेरा है ख्याल काम देव के जैसा, मैं तेरा शाम तू मेरी राधा, आधी है तेरे बिन तेरी राधा, तू जिंदगी मेरी तू है धड़कन, तू मेरा श्रृंगार तू ही दर्पण, तू है संगीत तू है सरगम, साथ रहे यूं ही हरदम, गाल तेरा कश्मीरी सेब के जैसा, तेरा है ख्याल काम देव के जैसा। मौसम शिकाना है ख्वाबों का खजाना है, हो जाए ना कोई खता, ओ, क्यों मुझे सताता है ऐसे तड़पाता है तू प्यार मुझको जता, हो मुझको चढ़ा है ये नशा, हो तू दिख रही है हर दिशा, हाँ आँखें जो बूंद लूं तुझको मैं चूम लूं, होठों पे जो है तेरा कश्मीरी सेब के जैसा, तेरा है ख्याल काम देव के जैसा। अरमानों को सीने में तूफानों को ना ऐसी बातों से जगा, ओ जब से लगी है ये लगन, ओ जलता है मेरा तन बदन, ओ दिल ये बेचैन है, प्यासे ये नैन है, तेरे ही लिए मेरा है जन्म, मिट जाएंगे तुझ पे सनम, तेरा कश्मीरी सेब के जैसा, तेरा है ख्याल काम देव के जैसा, मैं तेरा शाम तू मेरी राधा, आधी है तेरी बिन तेरी राधा, तू जिंदगी मेरी तू है धड़कन, तू मेरा श्रृंगार तू ही दर्पण, तू है संगीत तू है सरगम, साथ रहे यूं ही हरदम, मेरा कश्मीरी सेब के जैसा, तेरा है ख्याल काम देव के जैसा। ये क्या कर रहा है? ऊपर से घूर भी रहा है? तू खुद देता है या छीनना पड़ेगा? फट जाएगा रे! 6 फुट का आदमी खड़ा है, उसे नजरअंदाज करके हमें हफ्ता न देकर पैसों को हुंडी में डाल रहा है। आंखें बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारा हफ्ता देने से हमारा अस्पताल बनाना बहुत जरूरी है। देख क्या रहे हो, डालो। ए, मेरे सामने जवान चला रहा है, इस हुंडी को ही उखाड़ देना मेरी पॉलिसी है। ए, उखाड़ दो इस हुंडी को। Thank you.
हाँ बे उल्लू, मैं ही हूँ। इस हुंडी को निकालने वाले तुझे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, बैक साइड से, फ्रंट साइड से, ऑल साइड से फाड़ने के लिए आया हूँ बे। तेरे इस सारे साइड से फुर से फाड़ने के लिए मैं किसी कंप्यूटर का सड़ा हुआ पेपर नहीं हूँ। इस हुंडी में चंदा डालने वाले मेरे गरीब भोले भाले मजदूर हैं, उनके लिए मैं क्या करूंगा पता है? तुझसे और तेरे आदमियों से इसी हुंडी में चंदा डलवाऊंगा, जल्दी आ जा रे। आए, हम्म। शुभ लाभ। हेलो, व्हाट? कैसे हुआ? वो लोग कौन थे? आपको देखकर वो भाग गए मैडम। Anyhow, thank you. It's all right. I will take care of it. आपने जो पहले ब्लड सैंपल दिया था और अभी जो सैंपल दिया, इन दोनों का ग्रुप एक ही है। उस चोर को ढूंढने के लिए जिस दिन मैं घर पे आई थी, तब तुम्हारी अलमारी में फर्स्ट एड बॉक्स मैंने रखा था। उस दौरान हमारे घर पे किसी को कोई चोट भी नहीं लगी, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स में से टिंचर भी गायब है, रोई भी गायब है। क्या हुआ उनका, बताओगी नहीं? लेकिन घर में जो चारों ओर खून के निशान लगे हुए थे,
उन्हें तूने मिटाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन कुछ जगहों पर तू मिटाना भूल गई। दीवार पर जो ब्लड था उसे मैंने लैब में जांच के लिए भेज दिया। वो खून कैसे लगा तूने अभी भी नहीं बताया। नहीं बताई, मैं जानती हूँ। ऑलराइट, मैं खुद बताती हूँ। उस चोर को छिपाकर उसके पैर में से बुलेट निकालकर तुमने उसे भेजा। ये देखो, तुम्हारे कमरे से मिली है ये बुलेट। अच्छा, एक चोर को बचाने का ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया? इसलिए कि तुम उससे प्यार करती हो। दीदी, नो, इंद्राणी, तुझे मैंने पाल पोसकर कैसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन तू एक चोर से प्यार करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी गलती के कारण वो एक बार तो मुझसे बच गया, लेकिन अब उसे मेरे हाथों से स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उसके खिलाफ मैं ठोस सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। यस, आई विल सी हिम बिहाइंड द बार्स। रेखा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ सुरेंद्र, मेरी दीदी जान चुकी है कि वो चोर तुम ही हो। जानने से वो मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं सुरेंद्र, तुम मेरी दीदी को नहीं जानते हो। अपने फर्ज के सामने वो घर के इंसान को भी कुछ नहीं समझती। रेखा, मैं भी कोई मामूली चोर नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य पूरा होने तक मैं किसी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहूंगा। मेरी बात सुनो, इस तरह पुलिस रिकॉर्ड में अपना नाम देकर खुद की जिंदगी बर्बाद मत करो। प्लीज, अस्पताल का काम मैं पूरा करूंगी। नो, उस अस्पताल का काम मैं किसी और के पैसों से पूरा नहीं करना चाहता हूँ। मैं वो अस्पताल विधाता के पैसों से बनाऊंगा। अच्छा, जिसने मेरी मूर्ति बनाने से इनकार किया, आखिर वो है कौन? वीराचार्य नाम का शिल्पी है। अच्छा, यही वो कीड़ा है क्या जिसने बनाने से इनकार किया? हाँ बड़े भैया, तुम्हारी मूर्ति बनाने के लिए हमने बहुत विनती की, पैसा भी देना चाहा, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। अच्छा। क्यों रे शिल्पी, फट गया ना रे? बड़े भैया ने तेरे माथे पर जो ठप्पा लगाया है ना, इसे देखकर तुझे कोई काम नहीं देगा और तू भूख के मारे भूखा मर जाएगा और तेरी लाश को भी कोई नहीं उठाएगा। मनमोजी। बड़े भैया। कौन है वो जो मजदूरों का नेता बना हुआ है, जो हमें हफ्ता देने से भी इनकार कर रहा है? कौन है वो? गरीबों का एक देवता है, सुरेंद्र। विधाता, 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 बाहर आ। तुम लोग कौन हो? तेरे जुल्मों को सहने वाली बेचारी गरीब जनता है। तूने इन गरीबों के जो झोपड़े जलाए हैं, वो आग तो बुझ गई लेकिन दिल में अभी भी आग है। तूने अपने अहंकार में आकर जो जुल्म इन गरीबों पर किए हैं, उन्हीं जुल्मों का बदला लेने के लिए तू जिन पैरों से इनके माथे पर ठप्पा लगाता है, उन पैरों की समाधि बनाकर उस समाधि पर नृत्य करने के लिए आए हैं प्ले बनकर। ये गुस्सा मजदूरों की हिमायत में है क्या? नहीं, इनके घर जलाने के लिए। नॉनसेंस, ये शहर मेरा है और यहाँ मेरी ही सरकार है। इस जगह पर मेरा हक है और वहाँ हुक्म चलाने का मुझे अधिकार है। विधाता, जो इंसान गरीब मजदूरों का खून चूसता है वो कुत्ते की मौत मरता है। शराफत से बोल रहा हूँ, तूने जो झोपड़ियाँ जलाई हैं उसके बदले इन्हें पक्के मकान बनवा कर देता है या नहीं? ये विधाता डराना जानता है, डरना नहीं। लोगों को धूल चटाता है, चाटता नहीं। और तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से तो इस विधाता को कुछ नहीं होने वाला। अगर यही तेरा अहंकार है तो तुझे धूल चटाने वाला पहला इंसान मैं होऊंगा और मुझे धमकाने वाला इंसान भी तू आखिरी ही होगा। तेरे पैसों से ही इनके घर बनाऊंगा। अगर तू मर्द का बच्चा है तो रोक लेना। सबकी तकदीर तो वो ऊपर वाला लिखता है, लेकिन तेरी तकदीर मैं लिखूंगा। चलता हूँ। आज रात ही। उस तरफ ब्लॉक कर दिया है ना? यस मैडम। मैंने जो जो जगह बताई है वहाँ सादे कपड़ों में तैनात कर दिए है ना? जी हाँ। बिना मेरी परमिशन के किसी को भी अंदर मत आने देना। राइट? ओके मैडम। बी अलर्ट।
ए बेबी, ये फूल कितने का है? ये बेचने के लिए नहीं है। तो फिर तेरे मर्द के लिए है या तेरे लवर के लिए? भैया, तुम्हारे लिए जो फूल रखा हुआ था वो बेकार हो गया, अब क्या करोगी? कोई बात नहीं, चिंता मत करो बहन, मेरा कार्य सफल हो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करना। Everything is going smooth? Yes, sir. Good. लगता है वो चोर इस बार बच के नहीं जा पाएगा। Yes, sir. This time the ball is in my court. Wish you best of luck. Thank you. जल्दी आओ। हाँ, उतला है। कंग्रेचुलेशन एएसपी साहिबा। हेलो मिसेस, ओ सॉरी मिस इंद्राणी, गाड़ी को बीच रास्ते में रोका है मेरा स्वागत करने के लिए? नहीं, तेरी तकदीर बदलने के लिए। जिंदगी में एक बार मेरी खातिर तुमने अपनी तकदीर खुद बदल ली है, फिर से वही पागलपन का दौरा पड़ गया क्या? शट अप, उस दिन जो काम अधूरा रह गया था आज पूरा करने आई हूँ।
कोर्ट ने तुझे सजा नहीं सुनाई, जेल में तू बंद नहीं हुआ। कानून का सरेआम उल्लंघन करने वाले तेरा खून करने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है, इसीलिए मैं खुद तुझे अपने हाथों से मौत की सजा देने आई हूँ। इंद्राणी, ये क्या पागलपन है? हमें कानून की रक्षा के लिए अधिकार दिया है, अपने अधिकार का गलत उपयोग मत करो। नो, भले ही मेरी नौकरी चली जाए कोई बात नहीं सर, लेकिन आज इस कमीनी की मौत मेरे हाथों होके रहेगी। आई विल किल हिम। इंद्राणी, नो, आई विल किल हिम। मनुष्यों के वंश के लिए परमात्मा ने एक आज्ञा दी है, पता है वो क्या है बच्चों? वंश में यदि कोई एक सदगुण वाला हो तो पूरे वंश का नाम प्रख्यात होता है। हाँ हाँ, होता है होता है। किसी गुणवान से जब कोई वंश प्रख्यात होता है तो किसी बिना गुण वाले से वंश बर्बाद भी हो जाता है। पूर्णा, मैं बच्चों को मुहावरा समझा रहा हूँ। विश्वनाथ मास्टर जी, मैं बता रही हूँ जीवन की सच्चाई। बड़े बुजुर्गों ने साफ साफ कहा है कि मुहावरों से किसी के पेट नहीं भरा करते। सुनो बच्चों, बाहर अंधेरा छा रहा, लगता है भारी बारिश होने वाली है। तुम लोग जाओ जाओ। हम अगर कुछ बोलते हैं तो हमें बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें उसे वो कौन है पता है? पूरे 30 साल से रात दिन मेरे साथ रहने वाली सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट ऑफ माय करियर, वो नहीं जाएगी। तुम जाओ जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। पूर्णा जरा यहाँ आना। आती हूँ, चौकट को टीका लगा। बाद में लगा लेना, बुला रहा हूँ ना। आओ यहाँ बैठो। पूर्णा, पता है आज से 30 साल पहले शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा देखकर इस काशी विश्वनाथ ने मान लिया था कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनने वाली हो, जबकि मैंने तुम्हें रूबरू नहीं देखा था। तुमने भी उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया का खजाना मुझे मिल गया हो, लेकिन आज हम दाने दाने के लिए तरसेंगे ऐसा मैंने नहीं सोचा था। ठीक है काशी विश्वनाथ, मेरा नाम है, भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन बेचारी, तुम्हारा नाम तो अन्नपूर्णा है। बस रहने दीजिए। क्यों री, ये सब क्या है? पाउडर खत्म हो गया है, बोले हुए भी मुझे पूरे 10 दिन हो गए हैं, दिलाया ही नहीं। वो मैं भी दिलाना चाहता हूँ बेटी, लेकिन बिना पैसे के दुकानदार ने मुझे देने के लिए मना कर दिया है। लक्ष्मी, शादी होने के बाद 4 साल से तुम यहीं पर रह रही हो ना? मुझे एक बात बताओ लक्ष्मी, अभी अगर तुम पाउडर नहीं लगाओगे तो 50 मील दूर पर रहने वाले तुम्हारे पति को मालूम हो जाएगा क्या? ये साड़ी कितनी हल्की है, 50 रुपए की भी नहीं है, मैं ये नहीं पहनूंगी। सुनो बेटी, महारानी जो वस्त्र पहनती है और दरिद्र जो वस्त्र पहनते हैं, दोनों का मकसद बदन को ढकना ही होता है। अमीरों के कपड़े देखकर अपने मन में लालच पैदा करना, ये तो पागलपन है ना? अभिमान ना करके बदन ढकने के लिए जो भी मिले उसे पहन लेना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। पिताजी, क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है बेटे? पिताजी, मैं एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। ये बात है, वेरी गुड। अगर 1 50 रुपए मिल जाते तो? तेरी सारी एक्टिंग जानता हूँ रे, इंटरव्यू है बोलकर पैसे लेकर मॉर्निंग शो देखने का तूने प्लान किया है ना? नहीं पिताजी। चुप कर। उस्ताद, तुमने जो जगह बताई थी वहाँ मैंने ढूंढ के देख लिया, मगर वो बैग नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? हाँ उस्ताद, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कहीं वो बैग किसी ने उठा तो नहीं लिया? हे तुलसी माता, इतने सालों से मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, फिर भी तुम्हें हम पर दया नहीं आती हमारे दुख हरने के लिए। क्या तुम कोई मार्ग अपने इस भक्तन को नहीं सुझाओगी माता? जय तुलसी माता की। ये जेवर हमारे नहीं है, बेईमानी की कमाई पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। बेहतर यही होगा कि पुलिस में जाके बता दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी पूजा और व्रत के फल के रूप में हमारे दुख दूर करने के लिए देवी माँ ने ये भेजा है, और तुम ये पुलिस में भेजना चाहते हो? इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी लड़कियों का जीवन सुखी हो जाएगा। हमारे जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जो हमने कभी नहीं उठाया हो, मेरी बात मान लीजिए ना। हाँ पिताजी, आप ऐसे जिद पकड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। पैसा मिल गया तो हम ससुराल चले जाएंगे। पिताजी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, अगर इनसे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कपड़े की दुकान खोल लूंगा। हाँ बिल्कुल, ये सच बोल रहा है। मैं इस परिवार के मुखिया की हैसियत से बोल रहा हूँ, इसी समय ये सारे गहने ले जाकर पुलिस को देने होंगे। बस कीजिए, मैं आपकी पत्नी की हैसियत से और अपने बच्चों की माँ की हैसियत से मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको ये पुलिस में नहीं ले जाने दूंगी। हमने ना कोई चोरी की है, ना किसी के यहाँ डाका डाला है। देवी माँ के दिए हुए सुख को पाने में गलत क्या है, मैं नहीं मानूंगी। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। पूर्णा, तुमने जो बांधा है मुझे नहीं,
सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ को बांधा है। आज तुमने जो मुझे बांधा है, ये हो सकता है तुम्हारे चरित्र का सर्वनाश कर दे। पराए धन को हड़पना पाप होता है, नहीं छोड़ेगा, ये पाप नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। बड़े भैया, जब ये जेल में जाएगा तो फर से फट जाएगा। मुलजिम सुरेंद्र ने ही विधाता के घर में चोरी की है, ये अदालत में साबित हो चुका है, क्योंकि जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त मुलजिम कहाँ था, इस बात का कोई सबूत मुलजिम के वकील पेश नहीं कर पाए, इसलिए ये अदालत सुरेंद्र को मुजरिम करार देते हुए आईपीसी की धारा 412 के तहत। नो माय लॉर्ड, नो, सुरेंद्र बेकसूर है। आपकी तारीफ। मेरा नाम रेखा है, मैं सुरेंद्र को अच्छी तरह पहचानती हूँ। सुरेंद्र के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उसमें मेरी गवाही भी मायने रखती है। आपका मतलब है चोरी सुरेंद्र ने नहीं की है? नहीं की, इस बारे में मेरी दीदी ने, माफ करना, एएसपी इंद्रानी ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। मिस रेखा, एएसपी इंद्रानी ने झूठ बोला है, इसका क्या सबूत है? क्योंकि उस रात सुरेंद्र मेरे साथ में था। ये सच है, विश्वास कीजिए, सच है। एक पल के लिए हम हमारी मोहब्बत में वो कर गए जो नहीं करना चाहिए था। रेखा, तू क्या पागल हो गई है? योर ऑनर, इस चोर को बचाने के लिए रेखा सरासर झूठ बोल रही है। एएसपी इंद्रानी की छोटी बहन मिस रेखा ने जो बयान अदालत के सामने दिया है उसके आधार पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उस रात चोरी के समय सुरेंद्र विधाता के घर में नहीं था, इसलिए सुरेंद्र को बेगुनाह करार देते हुए ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। बड़े भैया, इस अदालत ने तो फर्र से हमें ही फाड़ दिया है, फटाफट निकल लो। ये तुमने क्या किया रेखा? अभी तुम कुछ मत बोलो, पहले यहाँ से जाओ। जो ये काम किया, क्या तुझे शोभा देता है? हाँ। छी, भूल करके भूल नहीं कि बोलकर एक और भूल कर रही है। मुझे और मेरे पूरे डिपार्टमेंट का अपमान करने के लिए इस पवित्र न्यायालय में ऐसा झूठ बोलते हुए तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आई? डॉक्टर बनके रोगियों को बचाने वाली तुझे झूठी गवाही देकर एक चोर को बचाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैंने बचाया है किसी चोर को नहीं, मजदूरों के लिए भला काम करने वाले एक अच्छे इंसान को छुड़ाया है। अच्छे इंसान को छुड़ाया? मैंने और मेरे डिपार्टमेंट ने उस चोर को पकड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया, तुझे पता है ना? ऐसा नहीं है दीदी, वो वाकई बहुत भला इंसान है। शट अप। अपनी सच्ची ममता लुटाने के लिए एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, वही औरत जब अबला होती है तो अपने पति को गुणहीन बोलने से भी नहीं झिझकती, लेकिन ये जो प्यार का भूत है ना, उसमें तुझ जैसी लड़कियों को लड़का चाहे कितना बुरा ही क्यों ना हो फिर भी बहुत अच्छा लगता है। सुन, आज वो मेरे हाथों में आकर भी छूट गया, और इसका कारण कोई और नहीं सिर्फ तू है। तुझे माफ नहीं करूंगी दीदी, अगर आप उसकी सच्चाई जानेंगी तो आप ऐसा नहीं कहेंगी। किसी चोर की सच्चाई पुलिस वालों के सामने हमेशा केवल एक ही होती है, वो भी चोर की। दीदी, तुम्हारा इस तरह गुस्सा होना जायज है, मैंने आपका अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया, दरअसल बात ये थी। नो नो नो, आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। माँ बाप के मरने के बाद तुझे मैंने अपनी पलकों पर बैठा कर पाला, बड़ी होने पर किसी अच्छे घर में तेरी शादी कराऊंगी सोचा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे लाड़ प्यार में कमी रह जाएगी। काश ये पहले जान पाती। दीदी, मैं कानून की रक्षा को अपना फर्ज समझने वाली मेरे घर में कानून से खिलवाड़ करने वाली के लिए कोई जगह नहीं है। इसी क्षण से हमारे बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। बाय।
हेलो वेलकम इंद्राणी वेलकम एक दो तीन चार पांच छह हम दोनों के बीच बस इसी कदम का फासला है, रख दो इंद्राणी वो कदम भी रख दो। मेरा ये कदम पाप के रास्ते नहीं पड़ेगा। अच्छा, छह कदम रखने के बाद पता चला कि सातवां कदम गलत है? नहीं, सातवां कदम पहले ही जानता था कि बढ़ाए हुए छह कदम एकदम गलत है। तुम्हें गलत लगता है तो तुमने जो छह कदम बढ़ाए हैं वो भी बिल्कुल गलत ही है ना? मैं अतीत को नहीं भविष्य को मानती हूँ। भविष्य गलत है? अच्छा, इस विधाता के अगेंस्ट वो विधाता भी गलत फैसला नहीं लिखता। तू ऐसे ही सपनों की दुनिया में खोए रहना। रेखा कहाँ है? सुरेखा मेरे घर में आकर मेरे घर वालों के बारे में पूछे बिना अपनी बहन के बारे में पूछ रही हो क्यों? शेर की गुफा है ये जानकर भी उसमें हाथ डालना चाहती हो? बिल्कुल सही कहा, ये मिट्टी के शेर की गुफा है, जानकर ही अपनी बहन को बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बेचारी किसी शेर का शिकार हो गई होगी। तेरे साथ आंख मिचौली खेलने के लिए मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं रही। बेहतर यही होगा कि अब तू मेरे साथ में आ जा। आ जा। Shut up, तेरा सर फोड़ दूंगी। Shut up बोलेगी तो मैं खुद लपक लूंगा। चुपचाप मेरी बाहों में आ जा, नहीं तो तेरी ये सारी फर्रों से फट जाएगी। उसके बाद ये चोली खुद ब खुद निकल जाएगी। ये तो मेरी बहन की चीख है। सही कहा, उसी की आवाज है। साबित कर सकती हो? नहीं कर सकती। सबूत ला सकती हो? नहीं ला सकती। अदालत में तुम्हारी बहन ने जो गवाही दी उसी की मैंने सोच समझ कर उसे सजा दी। मान जा, मेरी बात मान जा। ए! तू यहाँ क्यों आया है? तुझे चीरने के लिए। स्टॉप द सर्च वारंट है मिस इंद्राणी। नहीं है, मैं जानता हूँ बिना सर्च वारंट के किसी भी एपी के घर की तलाशी लोगी तो क्या होगा ये जानती हो ना? सो इतने सालों तक जिस ऑफिसर ने कानून की हिफाजत करी आज वही ऑफिसर कानून से अन्याय को नहीं रोक पा रही है ना? माफ करना इंद्राणी मैडम, किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए कानून हाथ में लिया। विधाता, आज के बाद रेखा की तरफ तूने या तेरे भाई ने आंख उठाकर भी देखा तो अंदर जो तेरे भाई का हाल हुआ है ना उससे भी बुरा तेरा होगा, क्योंकि आज से ही ये रेखा समझ लो मेरी पत्नी है। सेठ जी, इस हार के बदले 12,000 रुपए चाहिए। 12,000? ज्यादा है तो 5,000 दे दीजिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं जरा अंदर जाके सोना खरा है यानी देखकर पैसे लेके आता हूँ। जल्दी बैठो बैठो। हेलो, ये पुलिस स्टेशन है ना? आइए साहब, यही है। ये गहने तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे कुछ मत कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। ये गहने मुझे मेरे पिताजी ने दिए हैं। पिताजी का नाम क्या है? मास्टर विश्वनाथ। आप किस सोच में डूबे हुए हैं? खाना खाइए ना। नहीं पूर्णा, मेरी भूख मर गई है। क्यों मरी जानती हो? मैं शादी के बाद 4 साल तक अपनी लड़कियों को ससुराल नहीं भेज पाया। इस बात से बिल्कुल नहीं, सच्चाई ईमानदारी को ठोकर मार के पराया धन उनके हाथों में देकर उन्हें ससुराल भेजा है। इसी शर्मिंदगी के कारण मेरी भूख मर गई है। तुमने मेरे सामने ये जो पकवान रखा है मुझे नहीं पचेगा। अपने खून पसीने की कमाई से अगर खिचड़ी भी मिल जाए तो वो स्वादिष्ट लगती है। ये मुझे नहीं पचेगा, इसे ले जाओ यहां से।
मास्टर विश्वनाथ तुम ही हो? जी हाँ। तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुमसे प्यार किया इसलिए तुम्हारा ज्ञान मेरे सिर में आ गया है। अब मैं भी समझकर तुम्हारी तरह बन गई हूँ। यानी अंतर्यामिनी? हाँ ज्ञानी जी, मैं कुछ बताऊँ? हाँ बताओ, देखते हैं। आज तुमने लक साबुन से स्नान किया है, सच कहा ना? हाँ। देखा, मैंने बिल्कुल सही बता दिया। हाँ, बड़ा तीर मारा। ठीक है, जरा ये बताओ कि मैं अब क्या करने वाला हूँ? बता दो। हाँ? अब तुम वहाँ से उठकर मेरे पास में आने वाले हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखोगे, मुझे अपनी बाहों में भरोगे, उसके बाद लिप टू लिप मुझे किस दोगे। मैं ना ना कह के चिल्लाऊंगी, तुम हाँ हाँ कह के मुझे और भी जोर से जकड़ोगे, मैं और चिल्लाऊंगी। तू चैन तू करार है, तेरे है राजा जानम सबसे है जुदा, बांसुरी से है तेरी प्यार की सदा, तू है आसमान मैं तेरी जमीन, मेरी जिंदगी तुझसे है हंसी, इश्क तू है प्यार तू है, इश्क तू है प्यार तू है, तू श्रृंगार है, तू मेरे पल पल का इंतजार है। करते हैं कितना प्यार हम, यकीन है मुझको जानू मैं तेरे प्यार को, तेरे संग जीना तेरे संग मरना खाता हूँ मैं तेरी कसम, न खोना है मुझे मर के भी अब यार को। फिर से बोल जान जान तूने क्या कहा, तूने जो सुना अभी अभी वही कहा, जी भर के तुझे प्यार दूँ वार दूँ, इश्क तू है प्यार तू है, इश्क तू है प्यार तू है, तू श्रृंगार है, तू मेरे पल पल का इंतजार है। जानती है दुनिया इस राज को, चाहत के पंख लेके संग संग भर लेंगे उड़ान हम, कोई भी छू न पाए ऐसे परवाज को, भीगना है तेरी चाहतों में भीगना, देख के जले गए जहाँ तू देखना, प्यार तू है इश्क तू है प्यार तू है तू बहार है,
इस दिल का तू चैन तू करार है। तेरी हर अदा जानम सबसे है जदा, बांसुरी से है तेरे प्यार की सदा। तू है आसमान मैं तेरी जमीन, मेरी जिंदगी तुझसे है हंसी। इश्क तू है प्यार तू है, ओहो इश्क तू है प्यार तू है तू श्रृंगार है। तू मेरे पल पल का इंतजार है। सच सच बता वो गहने तुम्हें किसने दिए? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? शराफत से बताते हो या थर्ड डिग्री इस्तेमाल करूं? मैं नहीं जानता साहब। झूठ बोलता है। सच बताते हो या नहीं? मैं नहीं जानता साहब। रुक जाओ, तुम सब लोग बाहर जाओ। आई एम सॉरी मास्टर जी, इट्स माई ड्यूटी। कोई बात नहीं मैडम, यू आर करेक्ट, ड्यूटी। जब मैं स्कूल का मास्टर हुआ करता था तो झूठ बोलने और चोरी करने वाले बच्चों को बेंच से मार के सजा देता था, वो मेरी ड्यूटी थी। लेकिन आज जो जुर्म मैंने नहीं किया है उसके लिए पुलिस वालों ने मुझे थप्पड़ बरसाए, ऑफ कोर्स ये उनकी ड्यूटी है, पर मेरा समय खराब है। वहां मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया, आप यहाँ अपनी ड्यूटी निभाइए। हर इंसान को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। मास्टर जी आप बड़े हैं, कम से कम अब तो आप बताइए वो गहने आपको किसने दिए? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ मैडम। वो गहनों से भरा हुआ बैग घर के बरामदे में मिला था, ये मैंने लाखों बार बोला, किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब आपको विश्वास दिलाने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैडम मैं एक सच्चा ईमानदार आदमी हूँ, मैं चोर बदमाश नहीं हूँ। मैडम मुझे छोड़ दीजिए मैडम प्लीज। आई एम सॉरी मास्टर जी, जब तक आप सच क्या है ये नहीं बताएंगे हम मजबूर हैं आपको जेल से रिहा नहीं कर पाएंगे। मैं छुड़ाऊंगी। रेखा यस, ये लीजिए बेल ऑर्डर्स और फौरन इन्हें छोड़िए। रेखा तुम क्या कर रही हो तुम्हें पता है? हमसे सच उगलवाने का एक मौका छीन रही हो। जी नहीं, किसी निर्दोष का जेल में रहना न्याय नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। मिस रेखा ज्यादा होशियार मत बनो, चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ। एएसपी इंद्राणी आप अपने अधिकार में चूर हैं, इसलिए कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। पहले आप उन्हें छोड़ दीजिए, ये लीजिए पेपर्स। ऑल राइट, उन्हें रिलीज कर दो। बेटी तुम? मास्टर जी आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना, लगता है शायद बचपन में तुमने इस मास्टर के पास पढ़ाई की होगी, वरना इस मास्टर को तुम यहाँ से छुड़ाती क्यों? चाहे कुछ भी हो, तुमने जिस रूप में ये गुरुदक्षिणा दी है इसका एहसान मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा। नहीं मास्टर जी। क्यों रे, चोरी करने वाले के साथ साथ मैंने तुझे भी क्यों मारा पता है? जब कोई चोर चोरी करता है उस समय चोर को देखकर भी तूने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैंने तुझे मारा। अब जल्दी से 5 रुपए निकाला। ये क्या कह रहे हो, मार्केट जंक्शन से यहाँ तक आने के लिए 1 रुपए ही लेते थे ना? अरे वह समय तुम्हारे लगे पैसा नहीं रहत रहन है, लेकिन अब तो चोरी का माल आ गया है ना, निकाला। आप अंदर जाइए। पुलिस वालों के थप्पड़ के निशान है, 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन दिल में जो चोरी का दाग लगा है वो पता नहीं कब मिट पाएगा। तुम्हें सुख देने के लिए किसी ने पाप किया, लेकिन पाप करने वाला कभी सुख नहीं पाता है, ये तुम लोगों ने अब देख लिया ना। सच्चाई पर चलने वाला निर्भय रहता है और निर्भय इंसान सदा सुखी रहता है। उस सुख में एक संतुष्टि मिलती है, लेकिन मुझे क्या मिला? हमेशा ईमानदार इंसान एक साफ सुथरा व पवित्र जीवन व्यतीत करता है। मैंने सच कहा ना? हाँ यही सच है। भास्कर
जब तुम पैदा हुए तब मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार करने के लिए कोई तो है, लेकिन तू जीते जी मुझे नर्क में धकेल देगा मैंने नहीं सोचा था। तू किस बात के लिए अपना सर झुका रहा है? तेरे कुकर्म के लिए मुझे सर झुकाना पड़ रहा है। पिताजी जाओ, तुम क्यों खड़ी हो, तुम भी जाओ। पूर्णा रो नहीं, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए भी बेबस हूँ। पुलिस ने इतनी बुरी तरह मारा कि हाथों में छाले पड़ गए हैं। पूर्णा जोरों की भूख लगी है, अभी लाती हूँ। सुनिए पूर्णा, हमारी शादी के वक्त पुरोहित ने एक श्लोक बोला था ना, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च नाथ चरामी बोलकर हमसे प्रतिज्ञा ली थी ना, इसका मतलब क्या है जानती हो? चाहे कोई दुख हो या कोई सुख हो, चाहे अमीरी हो या गरीबी हो, पाप हो या कोई पुण्य, सदा एक दूसरे के साथ रहकर जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आज के दिन मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ पूर्णा। सुनिए, किसी जमाने में मैं स्कूल में 100 बच्चों का सबसे बढ़िया मास्टर हुआ करता था, लेकिन 5 सदस्यों वाले अपने परिवार का मैं बढ़िया यजमान नहीं बन पाया अन्नपूर्णा। बच्चों का ख्याल रखना, उनसे यदि कोई भूल हो जाए तो उन्हें माफ। ये क्या हो गया? भगवान ने ये हमारे साथ कैसा न्याय कर दिया। मेरे अच्छे खासे पति की उस कमीने ने जान ले ली। उस कमीने ने मुझे विधवा बनाया है। अगर वाकई भगवान है तो मेरी आंखों के आंसू उस कमीने का सत्यानाश कर डालेंगे। सुरेंद्र, जो हो गया उसके बारे में सोचना बेकार है। अब आके ऐसा ना हो उसके बारे में सोचना चाहिए। सही कह रही हो रेखा, चोरी मैंने की है और सजा भुगत रहे हैं मास्टर जी के परिवार वाले। उस माँ के आंसू मेरे लिए श्राप बन जाएंगे। उस परिवार में जो दुख आए हैं उसका कारण मैं हूँ। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा जमीर मुझे कोसता है। उस परिवार के दुखों को अब मैं ही दूर करूंगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। उनके स्वर्गवास के बाद मेरी बच्चियों का भार तुमने अपने सर पे उठा लिया। पता नहीं तुम कहां से आए हो, कौन हो, लेकिन भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। ऐसा मत कहिए, ये तो इंसानियत के नाते एक फर्ज है जो मैंने किया, बस और कुछ नहीं। चलिए, नहीं तो राहु काल शुरू हो जाएगा। भास्कर, बहनें तो अपने ससुराल चली गईं। अब माँ की अच्छी तरह से देखभाल तुम्हें करनी होगी। कोई ऐसा काम मत करना जिससे इन्हें दुख हो। नहीं करूँगा, अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करूँगा। मैं अपनी माँ का ख्याल रखूंगा। गुड, माँ जी आपको जब भी जरूरत पड़े बुला लेना। अब आपका एक बेटा नहीं दो दो बेटे हैं, ये बात मत भूलिएगा। चलता हूँ। ठीक है बेटे, चलती हूँ माँ जी। जाओ गाड़ी ले आओ। तुमने मूर्ति बहुत बढ़िया बनाई वीराचार्य जी, ये लीजिए बाकी के पैसे। बहुत खुशी हुई।
देख लिया ना मूर्ति को मैंने किस तरह फाड़ दिया। क्यों रे, तेरी तो छेनी घिस गई होगी ना। विधाता के खिलाफ काम करने की तेरी इतनी हिम्मत और मूर्ति बनवाने की इसमें भी इतनी हिम्मत, क्यों रे चिरकुट। अबे अमावस की रात में पैदा हुआ था क्या जो तूने आए की मूर्ति बनवाने चला आया। और तो और मेरे बड़े भैया ने क्रॉस का ठप्पा इसके माथे पर लगाया, तुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दो भैया, ये मूर्ति तो क्या, अब मैं इनके पास कभी भी कोई भी मूर्ति नहीं बनवाऊंगा भैया। मैं चलता हूँ भैया, चलता हूँ। देख लिया ना शिल्पी वीराचार्य, मेरे बड़े भैया ने जो ठप्पा लगाया उसने तुझे कैसे फाड़ दिया। भैया मैं तुमसे एक बात कहूँ। एक बात क्यों, दो बात बोल ले, मैं तुझे मौका देता हूँ। पता नहीं उस भगवान ने कब इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने अपने जीवन में पता नहीं कितनी मूर्तियां बनाई हैं, और मैंने जितनी भी मूर्तियां बनाई हैं उनमें कभी कोई खोट नहीं आई है और ना ही दुनिया में मेरे नाम पर कोई आंच आई है। लेकिन उस भगवान ने तो जैसे इंसान को पैदा जो किया है वो इस दुनिया वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। hey! रुक, कौन है भैया? तुझे सर से लेकर पांव तक फाड़ने के लिए आने वाला तेरा बाप हूँ। अगर ऐसा बोलेगा तो चीर के रख दूंगा रे। चीरने में मैं उस्ताद हूँ, ये तो जानता है ना? जानता हूँ। मैं चीरने में क्या हूँ? चीरने में महा चीरू और फाड़ने में महा फाड़ू, ये मैं जानता हूँ। तेरे भाई ने इसका ठप्पा लगाया था ना, अब इस शिल्पी को मैं काम देने वाला हूँ। बेटे आज से ये मेरे लिए काम करेंगे। अगर तू मर्द का बच्चा है या तेरा भाई मर्द का बच्चा है तो मुझे रोक के दिखाना, नहीं तो दोनों के दोनों दारू पीकर सो जाना। ये दारू पीने के लिए बोल रहा है, चुपचाप यहाँ से निकल लेते, नहीं तो फर से ये हमें फाड़ डालेगा। इसलिए पूरी बोतल पी के जब ताकत आ जाएगी तभी इसे फाड़ूंगा। अब जल्दी चल। वीराचार्य जी, मेरे अस्पताल की स्थापना करने के लिए मजदूर की ताकत, उनकी मेहनत और इन्हें जवाब देने वाली एक विशाल मूर्ति बनाना शुरू कीजिए। ये लीजिए एडवांस। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटे, मैं इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था बेटे। हम गरीबों के लिए तुम मसीहा बनकर आ रहे हो ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है बेटे। मेरा पूरा परिवार तुम्हें दुआएं देगा, मैं जरूर ये काम करूंगा बेटे। इस ट्रक में क्या भरा हुआ है? सीमेंट है। परमिट है? ये विधाता जी का ट्रक है, परमिट की जरूरत नहीं, आप जाइए यहाँ से। Shut up, इंस्पेक्टर, seize the trucks. Yes, madam. Come on, move. इंद्राणी। एसपी इंद्राणी। All right, एसपी इंद्राणी जी, मेरे ट्रकों को छोड़ दो। परमिट दिखाकर अपने ट्रक ले जाओ। इंद्राणी। चिल्लाओ नहीं, जैसे तुम परमिट नहीं रखना जानते वैसे ही तुम जैसे से डरना मैं भी नहीं जानती। अब जो होगा कोर्ट में होगा। इंद्राणी तुम एक लेडी पुलिस ऑफिसर हो इसलिए, वरना मैं। डू व्हाट यू कैन। वीराचार्य जी। हाँ बेटे। आपने पत्थर में जान डाल दी है, मजदूरों की ताकत को उजागर किया है, आपने तो सच में मेरे सपने को साकार कर दिया है। ये मैंने नहीं किया बेटे, सब तुम्हारी कृपा है। उस विधाता ने ये जो ठप्पा लगाया उसके कारण मैं बर्बाद हो गया सोचा था, लेकिन आपने जो मुझे हिम्मत और आश्वासन दिया उसी से ये सपना साकार हो पाया है। बस यही मेरे लिए काफी है बेटे। मूर्ति पूरी हो चुकी है, अस्पताल भी बनके तैयार है, लेकिन अगर 17 लाख रुपए होते तो अस्पताल के इक्विपमेंट्स भी आ जाते। 17 लाख रुपए चाहिए बस इतना ही ना? ये काम मुझ पे छोड़ दो। सुनो छुटकी, आज एक बहुत जरूरी काम के लिए मैं जा रहा हूँ, प्रार्थना करना कि मैं कामयाब हो जाऊँ। लाओ फूल दो। ये क्या भैया, आप हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं, अगर कभी कोई गड़बड़ होगी तो। अब छोड़ दो ना भैया। छोड़ दूंगा छुटकी, मेरी ये छुटकी जो मुझ पर इतना प्यार बरसाती है उसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाएगा तो उसे शादी कराने के बाद छोड़ दूंगा। छोड़ो ना भैया, ये लो फूल। बड़े भैया, हमारे घर में जितने भी अनमोल हीरे थे वो सब के सब आप इस थैली में डाल रहे हैं, वो भी देख देख के डाल रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इंद्राणी को सबक सिखाने के लिए। इंद्राणी को इतनी रिश्वत देने की क्या जरूरत है? ये रिश्वत देने के लिए नहीं है। तो फिर मैडम,
यहाँ क्यों आए? एक शुभ कार्य के लिए, आपका आमंत्रण करने के लिए। जिन बड़ों की मर्जी के खिलाफ कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें उन्हें बुलाना भी नहीं चाहिए। आप जल्दबाजी में ऐसा बोल रही हैं मैडम, ये शादी का शुभ कार्य नहीं है, अस्पताल के उद्घाटन के लिए निमंत्रण पत्र देने आए हैं। इट्स ऑल राइट, बिना बड़ों की मर्जी के शादी करने वाले हम कोई मूर्ख नहीं है, उनके राजी होने के बाद ही शादी करेंगे। और अगर बड़े कभी राजी नहीं हुए तो? राजी करवा के रहेंगे, ये जिद्दीपन गया नहीं। कोई माँ अपने बच्चों के ऊपर भला कितने दिनों तक गुस्से में रहेगी? बड़ी बहन का छोटी बहन पर जो गुस्सा है वो हमेशा थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल एक न एक दिन ठंडा हो जाएगा, ठंडक करके रहूंगी। और अगर गुस्सा कभी ठंडा ही नहीं हुआ तो? हे मेरी माँ, प्यार करना भूल है तो मुझे माफ कर दो, ऐसा बोल के हाथ जोड़ूंगी। उसके बाद भी ठंडा नहीं हुआ तो मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, प्यार से बस मेरे एक चांटा मार देना। फिर भी ठंडा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी मर्जी से शादी करके रहूंगी या फिर यही जान दे दूंगी, इसलिए तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। जो काम है पूरा करो। ये लीजिए मैडम इनविटेशन, याद से आ जाइएगा। रेखा टीका लगा दो। एक सीढ़ी उतर कर आओ ना। जो बड़े होते हैं अगर वो छोटों के सामने झुके तो उसमें उनका अपमान होगा, तुम ऊपर क्यों नहीं आ जाती? Stop there. Don't move. What, sir? What's the matter? Matter? अभी बताएंगे, उसके बाद निकलेगा आंखों में से वाटर, जल्दी बताइए। I'm sorry, इंद्रानी, इन्होंने तुम पे चोरी का आरोप लगाया है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। Searching? Yes. ये रहा सर्च वारंट, घर की तलाशी लो। बेचारी, आज तक तुमने लोगों की तलाशी ली लेकिन कभी खुद की तलाशी नहीं दी ना, अपने ही जाल में फंस गई ना। Shut up. सर, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरी ईमानदारी से भी आप वाकिफ हैं। आई एम सॉरी इंद्रानी, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, दैट्स ऑल। ये देखिए साहब, अंदर से थैली मिली है। यही है डीएजी साहब, इन हीरों की कीमत पूरे 25 लाख है। ये इनके घर में कैसे, जरा पूछिए। मैं नहीं जानती, ये थैली मेरे घर में कैसे आई, सच में मैं नहीं जानती सर। ऐसे ही बहुत से बेगुनाह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए होंगे ना, अरेस्ट कीजिए, जो भी सच्चाई है वो बाहर आ जाएगी। आईजी साहब, बड़े भैया बोल रहे हैं, जल्दी अरेस्ट कीजिए। वी आर सॉरी इंद्रानी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रुकिए 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 साहब, जल्दबाजी मत कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे इस थैली के ऊपर शक हो रहा है, इस थैली में हीरे हैं भी या नहीं, जरा चेक तो कर लो। हैं, इस थैली के अंदर गोल गोल चमकते हुए हीरे हैं, वो भी बहुत अनमोल हीरे हैं। थैली खोल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलिए। हेलो, देखने तो दो, वैसे ये अनमोल हीरे मैंने भी आज तक नहीं देखे हैं। खोलिए ना साहब वो हीरो की थैली। लाइए साहब मेरे हाथों में खोलिए। ये कंकर तुम्हारे लिए हीरे हैं, इन कंकरों के लिए इन्होंने तुम्हारे घर में चोरी की है। मिस्टर विजाता, ये सब क्या है? तुम्हारी बात पर यकीन करके मैंने एक पुलिस ऑफिसर का अपमान किया। आई एम सॉरी इंद्रानी, थैंक्स सुरेंद्र। अब तो समझ में आ गया ना इंद्रानी जी कि वो कैसा चोर है और मैं कैसा चोर हूँ। रात जब चोरी करने के लिए मैं उनके घर गया था तब आपको फंसाने का प्लान जानकर वो हीरे मैंने बदल दिए थे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। तुम्हारी दीदी ने ऑल द बेस्ट बोल दिया है तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ। सरगम शब्द संगम नगमों की बरसाते झिलमिल झिलमिल किरणों का मौसम शम्मा से करो बातें मस्त की महफिल यह हर एक दिल मस्ती में डूब गया आंखें जागे जागे हैं सपने हैं यहाँ जागे जागे देखो हर मजनू के संग उसकी लैला नाचे नाचे सुर और सरगम शब्द संगम नगमों की बरसाते झिलमिल झिलमिल किरणों का मौसम शम्मा से करो बातें।
आस पास यहाँ पे है मेहमान खास खास, यहाँ सबका लिखते मुकद्दर कलम, यहाँ टूट जाए सबका धर्म, कौन किस पे गिराएगा जबान सा आज वो है पम पम, सुर और सरगम शब्द का संगम, नगमों की बरसातें झिलमिल झिलमिल किरणों का मौसम, शम्मा से करवाते का संगम, नगमों की बरसातें झिलमिल झिलमिल किरणों का मौसम, शम्मा से कर बातें मस्ती की महफिल, यहाँ हर एक दिल मस्ती में डूब गया, आंखें जागे जागे हैं सपने हैं यहाँ जागे जागे, देखो हर मजनू के संग उसकी लैला नाचे नाचे, सुर और सरगम शब्द का संगम, नगमों की बरसातें झिलमिल झिलमिल किरणों का मौसम, शम्मा से कर बातें हेलो फाड़ दूंगा रे मुझे बोल रहे हो या बड़े भैया को जो बड़े होते हैं पहले उन्हें सम्मान देते हैं जानता नहीं क्या ओ तो भैया को देता हूँ बड़े भैया लीजिए आपके लिए कौन है तू तेरी तकदीर बदलने वाला चोरों का उस्ताद और तुझे बर्बाद करने वाला भी चोरों का उस्ताद अच्छा तो तू है मुझसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही होगी ना हाँ आ जाओ मैं तेरी बहादुरी देखना चाहता हूँ अच्छा तू सिर्फ मेरी बहादुरी नहीं देखेगा इस सीने में दहकता ज्वालामुखी भी देखेगा ये ज्वालामुखी तुझे जला के भस्म कर देगा अगर हिम्मत है तो जहां मैं बोलता हूं आ क्या है मैं नहीं जानता था कि हम यहां जंगल में आ रहे हैं इस जंगल को देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा है आज तो मैं फट के रह जाऊंगा शट अप इस वीरान जगह को देखकर तुझे कुछ याद आया विधाता क्योंकि इसी जगह पर तूने एक आदमी पर झूठा आरोप लगाकर जनता का पैसा हड़प कर उसी जनता के हाथों उस आदमी को मरवा दिया याद आया हाँ। वो मेरे पिताजी थे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ही तेरी आंखों में धूल झोंक कर तेरे पैसे और तेरे पार्टनर के पैसों से ही मैंने अस्पताल बनाया है उस अस्पताल का उद्घाटन तेरे हाथों करवाना चाहता हूं ये ले इनविटेशन तेरी इस चुपड़ी चुपड़ी बातों में आने के लिए हमें क्या छोटा बच्चा समझा हुआ जो बुला रहा है फट के रह जाएगा रे फाड़ने में मैं उस्ताद हूँ ये तू अच्छी तरह जानता है
अज्ञात से आ जाना विधाता। कल सुबह ठीक 8 बजे मुहूर्त है। रुक जा, वो हॉस्पिटल बनवा के जिसको तुम सम्मान देना चाहते हो वही शिल्पी वीराचार्य, आज हम लोगों ने उसी की मूर्ति बना दी है। जरा उधर देखो। कैसा लगा बड़े भैया का चक्रव्यूह? समय पे आए हो मैडम जी, कितनी बेरहमी से मारा है ये खून इसने किया, इसे ले जाके जेल में डाल के फर्रसक कर दीजिए। टेक हिम अवे। बिल्कुल झूठ है, ये खून मैंने नहीं किया, इसने किया है। किसने किया है कोर्ट में पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर, दोनों को हिरासत में ले लो। यस मैडम। मनमौजी दास को रिहा कर दो। मेरे बड़े भैया आ गए, उन्होंने छोटे भैया को छुड़ा लिया रे। जल्दी खोलो भैया हवलदार जी। मेरे भाई मनमौजी को अरेस्ट करके तुम्हें चार्जशीट फाइल करने के लिए पूरा 1.5 घंटा लगा होगा, लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए आधा घंटा भी नहीं लगा है मुझे। कैसा लगा? किसी को अंग्रेजी में अच्छा इंसान है बोलने के लिए 4 अक्षर चाहिए होते हैं, और कमीना बोलने के लिए 3 अक्षर काफी होते हैं। ये कैसा लगा? इंद्राणी, गेट आउट। आई से गेट आउट। वेल डन इंद्राणी जी, वेल डन। अब आपके बारे में क्या समझूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने खून किया है ये बात जानते हुए भी आपने मुझे बंद कर रखा है।
जो सच में हत्यारा है वो अपने बलबूते पर आपकी आंखों के सामने बाहर चला गया। आप कुछ भी नहीं कर पाई, बस उसे जाते हुए देखती रही। आज ये बात साबित हो गई है कि वाकई कानून अंधा होता है। इस बात पर दुख मनाए या कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर जो गरीब बेबस मजदूरों का बेरहमी से खून करते हैं उनके ऊपर अफसोस जताएं। अधिकार के रोब में कुर्सी में बैठकर निरपराधी लोगों को सजा देने वाली इंसाफ की महारानी है ये। निर्दोष लोगों की आवाज ये कहाँ सुनेगी? स्टॉप इट। ये लोग मेरे सामने दुम हिलाने वाले कुत्ते हैं, लेकिन ये बात समझने के लिए अभी तुम बच्चे हो। मैं अपने अनुभवों पर एक किताब लिख सकती हूँ, लेकिन तुम किताब तो क्या एक शब्द भी नहीं लिख पाओगे। उस मन मौजी ने ही खून किया है, मैं जानती हूँ। वो विधाता उसे छुड़ा ले जाएगा, ये भी मुझे पता था। तुम निर्दोष हो, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया तुम दोनों नहीं जानते। दरअसल वो विधाता कौन है जानते हो? वो ऐसा सांप है जिसके पूरे शरीर में विष है। मेरी एक जरा सी भूल पर जिंदगी भर के लिए उसने मुझे वेदना दी है। वो गंदी नाली का एक ऐसा कीड़ा है जिसे देखने पर ही घिन आ जाए। उसका असली नाम है विजय। हेलो। हेलो। ये क्या कार में बैठे हो? अंदर क्यों नहीं आए? घरेलू समस्या, पुलिस स्टेशन में नहीं जानी चाहिए, इसलिए यहीं बैठा हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। तो फिर एक पुलिस वाले से शादी करने का इरादा कैसे बनाया? शायद इसी बहाने मेरा डर निकल जाए। आओ बैठो। ये लो, बताओ तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? बहुत अच्छे। अच्छा, कुछ शॉपिंग करना था ना? हाँ, जरूर करूंगी। पिताजी, आपसे कहा था ना कि शादी के मंडप में जाके वहाँ के काम देखो, लेकिन आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो मुझे ही करना है ना बेटी। हेलो, व्हाट? वेरी गुड, आई विल बी देयर विद इन 5 मिनट्स। किसका फोन था बेटी? जिन स्मगलरों की मुझे तलाश थी उनका पता चल गया पिताजी। ये पकड़िए। क्यों बे? कमीने, हमारे ही ग्रुप में शामिल होकर और पुलिस का मुखबिर बनकर जो तूने विश्वासघात किया है उसके लिए विजय साहब ने यही सजा दी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को कुछ मत करना। आज तुझे अपने आदमी का बोझ ढोते हुए पता चल रहा है ना, तू जिंदगी भर पछताएगी, क्योंकि आज तू अपने हाथों से ही अपने गले का मंगलसूत्र उतारेगी, कोई नहीं बचाएगा। क्यों चौंक गई ना इंद्राणी? इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत होती है पैसों की। अगर तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो तुम्हारी आड़ में मैं जुर्म की दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन जाऊंगा। शट अप। जिन हाथों ने मंगलसूत्र पहनाना था उसमें हथकड़ी डाल दी। फिर से सोच लो, अगर हम दोनों की शादी रुक गई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, ये बात याद रखना। छी। कहीं मेरी शादी ना टूट जाए इस बात से डर के तुझे छोड़ दूंगी, सोच रहे हो? तो जैसे कमीने से शादी ना करके जिंदगी भर कुंवारी रहना मैं ज्यादा पसंद करूंगी। माँ, माँ, हेलो मिस इंद्राणी, तुमने देख लिया अपने होने वाले पति को जेल में डालने का अंजाम? मैंने तुम्हारे माँ बाप का खून किया, ऐसा तुम कोर्ट में केस डालोगी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैं इस समय तुम्हारी जेल में बंद हूँ। जो इंसान जेल में बंद है वो बाहर कैसे खून कर सकता है, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा जज साहब पूछेंगे ना, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम कहोगी तुमसे बिछड़कर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है,
मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे जीने के लिए तुम्हारा आसरा चाहिए। चलता हूँ। मैं जान गया मैडम, सच्चाई क्या है ये जाने बिना, निर्दोष होकर भी मैं जेल बंद हूँ यही सोच रहा था, लेकिन आप मौके की तलाश में थी, क्योंकि बदले की आग आप में तहक रही है ये बात मैं समझ गया हूँ। उसने जो हथकंडे अपनाए उसी हथकंडों से उसे जवाब देना होगा, उसके पापों की लंका दहन करके उससे भी वहीं जला के भस्म कर दूंगा। All the best. मैडम, हॉस्पिटल के पास बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। Come on. Hey, अब अगर एक क्षण के लिए भी तुम में से कोई यहाँ रहा तो फर्र से फट जाएगा। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। आज से ये कहलाएगा मेरे बड़े भैया का 5-स्टार होटल। अगर किसी ने भी बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो फर्र से फट जाएगा। एक तरफ से या दोनों तरफ से। बिल्कुल सही। ये क्या है, ये अन्याय क्यों कर रहे हो? ये अन्याय नहीं है पुलिस मैडम, ये जगह हमारे पूर्वजों की है। इतना ही नहीं, ये जो पूरी जगह है इसके नक्शे के मुताबिक पेपर्स हमारे पास हैं। समझ में आया? क्या समझी? नहीं समझी। यहाँ 5-स्टार होटल बनाने के लिए यानी कानून के मुताबिक हमारे पास हैं अदालत के पेपर्स। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपको समझाने के लिए BA BL वकालत पढ़े हुए वकील लोग हैं, समझा देंगे। तुमने किससे पूछकर ये बोर्ड बदला है? ये सरासर कानून के खिलाफ है। तुमने शिल्पी का खून करके सुरेंद्र को फंसाया। हम भी देखते हैं ये बिल्डिंग कैसे तोड़ेंगे। तुम हट जाओ। ये तो बहुत बोल रही है बड़े भैया, खुद को लगता है लक्ष्मी बाई समझ रही है। ज्यादा बोलेगा तो लक्ष्मी बाई बन के दिखा दूंगी। वार्निंग पे वार्निंग दे रही है बड़े भैया, लक्ष्मी बाई बनना चाह रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, पुलिस वालों से या किसी और से डरने वाले हो, हम मामूली लोग नहीं हैं। ध्यान से देखो हमारे लोगों को, हमारे देश का ठर्रा पीपी के चिकन बिरयानी खा के, मटन का कीमा और कबाब खा के, ये लोग इतने ताकत वाले हो गए कि तुम लोगों को कच 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 करके कच्चा चबा जाएंगे। भाग जाओ यहाँ से। मेरा भाई। तुम चुप रहो, कांस्टेबल सेक्शन 144 लागू करो। कम ऑन गो, हरी अप, हरी अप, कम ऑन। इंद्राणी, मिस इंद्राणी। ओह, आप हैं, कहो कैसे आना हुआ? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, क्या पसंद करेंगे? नॉनसेंस, एक तो मेरे भाई को अगवा कर लिया गया है और तुम मेरी खातिरदारी कर रही हो। अगवा किसने किया है? तुम्हारे भाई को भला किसने उठाया होगा? कब हुआ? कांस्टेबल, इनके लिए ठंडा पानी लाना। स्टॉप जोकिंग। ओहो, ठंडा पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक लाओ। स्टॉप इट। तुम्हारी आंखों के सामने सब हुआ है, वहाँ तुमने पुलिस ऑफिसर का अधिकार दिखाया और अब नाटक कर रही हो। नाटक कर रही हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो? बकवास कर रहे हो, लगता है तुम्हारी आँखों की रोशनी कम हो गई है। कांस्टेबल, कोल्ड ड्रिंक काम नहीं आएगा, सादा पानी। इंद्राणी, मेरा भाई कहाँ है? मेरी साड़ी में तो जेब भी नहीं है छुपाने के लिए। मजाक मत करो, मेरे भाई को सुरेंद्र कहाँ ले गया, शराफत से बता दो। कौन सुरेंद्र? जो तुम्हारी कस्टडी में था वही। सुरेंद्र तुम्हारे भाई को उठा के ले गया? वो तो यही हवालात में बंद है, तो फिर तुम्हारे भाई को कैसे ले जाएगा? हे मेरे भगवान, मेरा नाम है विधाता। बस कर, तेरा नाम नहीं लिया, चल मैं सुरेंद्र को दिखाती हूँ। सुरेंद्र क्यों रे, कहाँ है? अरे हाँ, यहीं था, कहाँ गया? जल्दी सामने आ सुरेंद्र। मेरा नाम है विधाता। बस कर, तुझे नहीं बुला रही हूँ। तुम कहाँ हो सुरेंद्र?
जल्दी सामने आ जा, आ जा, आ जा। बाप रे, ये क्या मैडम, लाइट ठीक से जल नहीं रही है, ना ही हवा ठीक से अंदर आ रही है। मेरा तो माना दम घुट रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो जेल के अंदर सारे कैदी मर जाएंगे। ये सरासर धोखा है, मेरे भाई को यही ले गया है। लेकिन ये तो मेरी कस्टडी में ही है। लेकिन इसने उसे अगवा किया। इतने सारे पुलिस वालों के रहते हुए यहाँ से भाग के तुम्हारे भाई को ये कैसे उठा सकता है? इंद्राणी! नो! हाँ! नहीं! हाँ! नहीं! हाँ! नहीं! Stop it! एक बार जब मैं तुम्हारी हिरासत में था तो पुलिस वालों की मदद से बाहर निकलकर तुम्हारे माँ बाप का खून करके उन्ही पुलिस वालों की मदद से वापस तुम्हारी हिरासत में आ गया था। ठीक वैसे ही तुमने इसे भगाया ना? That's it. तेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए ही मैंने ये ड्रामा किया। Now you can go. We will meet in the court. मेरे सामने पागलों से हरकतें नहीं करना। चार बजने से पहले मेरा भाई मेरे घर में होना चाहिए, वरना याद रखना, छोड़ूंगा नहीं, धज्जियां उड़ा दूंगा। इस तरह के काम करते रहते हैं, अगर कभी कोई गड़बड़ होगी तो। अब छोड़ दो ना भैया। छोड़ दूंगा छुटकी, मेरी ये छुटकी जो मुझ पर इतना प्यार बरसाती है उसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाएगा तो उसे शादी कराने के बाद छोड़ दूंगा। विधाता, मैं तेरे भाई को ले आया हूँ, इंद्राणी जी को छोड़ दे। ठीक है, इंद्राणी को जिस बोट में भेज रहा हूँ उसी बोट में मेरे भाई को भेजो। अब समझ में आया कि मेरी ताकत क्या है? विधाता, मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मुझे सबक सिखाने के लिए पहले तुझे यहाँ से जिंदा बच के निकलना होगा। शूट हिम। स्टॉप इट। विधाता, शायद तू नहीं जानता है कि घायल शेर को चाहे कोई कैसे भी घेर ले वो अपना रास्ता बना लेता है। एक बार अपने भाई की हालत देख ले। भैया पहले मेरी जैकेट निकालिए, इसके अंदर बॉम्ब है, नहीं तो मैं फट जाऊंगा।
बाजू जल्दी से निकाल, खोल मेरे हाथ, जल्दी कर भैया, बम है भैया, बम। Thank you.
लक्ष्य को पूरा करना नामुमकिन नहीं। जीवन का एक लक्ष्य मानकर अकेला इंसान क्या नहीं कर गुजरता है, ये साबित करने के लिए ये हॉस्पिटल और ये सुरेंद्र एक उदाहरण है। और सुरेंद्र के इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने वाली रेखा को मैं शुभकामना देती हूँ। इस बड़े इंसान के साथ मैं मन पूर्वक अपनी बहन रेखा की शादी कराऊंगी।